E gunati saimam ajayanam sammatta parakamme suyam me ausam trinam bhagavaya evam akhayam yakhalu sammatta parakame nama ajayane samaneenam bhagavaya mahavireenam kasaveenam paveye jam sammam Saddahitta, Patyayitta, Royayitta, Fasayitta, Palayitta, Tirayitta, Kittayitta, Sohayitta, Arahayitta, Anayanu Palayitta, Bahave Jiva Sijjanti, Bujjanti, Mucchanti, Parinivvayanti, Savvadukhanamantam Karinti. Prashna Puchhege. और सभी प्रश्न किसी दुनिया के विषय में या पदार्थ के विषय में या पड़ोसी के लिए किसी के लिए प्रश्न नहीं पूछे. सभी प्रश्न ऐसे भी जिज्ञासु जिन्होंने उस अच्छाइयों को करने से आपने कहा ये लाभ ऐसा होता है वैसा, पर हम जानना चाहते हैं ये अलग अलग है, ये रास्ते अलग अलग हैं, प्रतिक्रमण का रास्ता अलग, आलोचना का रास्ता अलग, निंदा का रास्ता अलग, और आप किस शब्द से किसी साधक को अपने जीवन की विकृतियों से बचने का मार्ग बताते हैं. कभी आप प्रतिक्रमण की बात करते हैं, कभी आप आलोचना की बात करते हैं, कभी आप निंदा की बात करते हैं. क्या है ये और प्रत्येक शब्द प्रत्येक क्रिया एक विशिष्ट अर्थ के साथ में है, विशिष्ट भाव के साथ में, विशिष्ट सूक्ष्मता के साथ में है. निंदा और गर्व और प्रतिक्रमण, अगर इन आज इस 15 प्रश्न में 3 प्रश्न जीवन की उस आवश्यक क्रियाओं में जीवन है, गलतियाँ होगी. कभी कोई सोचे एक व्यक्ति कि मैं अपने जीवन में चलूँगा तो सही, लेकिन ठोकर नहीं खाऊँगा, जीवन की क्रियाएँ तो करता रहूँगा लेकिन गिरूँगा नहीं, मुझे भी चोट नहीं लगेगी, दूसरों को भी नहीं लगेगी, ऐसा होगा ऐसा मैं निर्णय नहीं कर सकता. ये चाह करके भी गलतियाँ कदम कदम पर. और उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि कैसे अज्ञानी हो, एक ही बात को कितनी बार अनेकों बार और जन्म जन्मांतरों के व्यवहार, क्योंकि ये जो बुराई है वह ऐसे ही हवाओं में से उड़ करके आया हुआ कचरा नहीं है, ये इस प्रकार की है कि अस्तित्व के साथ में जुड़ी हुई है. वे बुराइयाँ, हम ऐसा नहीं सोचते मैं और बुराई अलग हैं, मैं और विकृतियाँ अलग हैं, ऐसे रहता है मेरा ही वो अंग है. और धीरे धीरे साथ जीते इसे हम कहते स्वभाव बन गया है. स्वभाव बन गया इसलिए मेरा अंग भूत बन गया. इसका मतलब है उसका क्या करना पड़ेगा, वो विकृतियाँ जब शरीर के साथ एक हो जाती है,
एक हो जाती है तो उस शरीर के कणकण में और हर जगह जब व्याप्त हो जाते तो उसको काटना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, तब जा करके वो जो शरीर है वह स्वस्थ हो सकता है। इसी प्रकार से जीवन की बुराइयाँ हमारे अपने, मैं किसी और की बात, किसी दूसरे की बात नहीं करती, हमारे जीवन की विकृतियाँ भी प्राय करके ऐसा नहीं है कि वह इस प्रकार से और दुनिया में कहीं ना हुई हो, ना होती हो या नहीं होगी। वह एक ऐसा गंदगी का, जिस प्रकार से गंगा का शोर लगातार बहता रहा है, उसी प्रकार से गंदगी का प्रवाह भी लगातार बहता रहा है। गंगा तो हिमालय से, लेकिन गंदी गठरी तो हर व्यक्ति से पैदा होती है। कहाँ उसका, उस ज्ञानी के गुरु का कहीं एक स्रोत कहीं निकल आए बात अलग है, लेकिन आम तौर पर कुएं तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन मीठे जल, मीठे जल कहीं कहीं उस थोड़ी सी जगह पे, ये ज्ञान। और अगर पृथ्वी पर खोजा जाए तो मीठे पानी की अपेक्षा, यदि भी आसमान से जो बरसता है वह मीठा पानी, समुद्र में पर जा कर के देखो, पृथ्वी पर जा कर के देखो, तो उस मीठे जल से उस काले जल की जो सीमाएँ हैं वह बेशुमार हैं, नहीं गिन पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे कि वह जो खारा पानी पृथ्वी पर कितना है और कहाँ से आया है। मीठा जल तो हमें समझ में आता है, वह हिमालय का वो है, उससे उसके पास और उससे वो प्रवाह निकलता है, लेकिन उस खाले समुद्र का स्रोत कहाँ है। मनुष्य के जीवन से जो गंदगी के नाले बहते हैं उसका पता नहीं, और हम नहीं सोच सकते कि वह एक बार साफ हो जाए और बात खत्म हो गई, कुछ घंटे कुछ दिन निकल जाए, ये भी एक व्यक्ति के लिए अहोभाग्य की बात है। कहा कि क्या है प्रतिक्रमण, क्यों आवश्यक है प्रतिक्रमण। हम सोचते हैं मैं ये अच्छा काम करता हूँ, अच्छी तरह से बोलता हूँ, अच्छी तरह से चलता हूँ, अच्छा उसके जो परिणाम है ऐसे ठीक नहीं आते। आज देख लेना कहीं ना कहीं लीकेज होगा, तुम्हें पता नहीं है वो जो लीकेज होता है उस लीकेज को खोज लो और उसको खोज करके उसे तुम ठीक कर लो। वैसे ही निंदण आया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, निंदा करना। तो जैसे हमारे जीवन में अगर वो उस विषय में बात करने का मौका न मिले तो हमें लगता है कि दिन सुना हुआ, अच्छी बात करे या ना करे उसके लिए हमें कभी भी अफसोस नहीं होगा कि आज दिन भर में किसकी अच्छाई हमने नहीं की, अच्छाई के लिए सोचा नहीं, अच्छा काम करने के लिए नहीं सोचा, उसके लिए कभी अफसोस नहीं होता। पर वह दिन सुना दिन लग जाता है जिसने किसी की गलतियाँ न देखी हो, किसी का अपराध न देखा हो, किसी का दोष न देखा हो, किसी का और काम।
आदत पड़ी हुई है, आदत बनी हुई है, उसमें से भी एक रस आता है, एक एक पता नहीं जीवन का, जैसे नमक में से रस आता है, मिर्च में से रस आता है, उस खट्टी चीज में से रस आता है, उसी तरह से निंदा का भी एक रस है, जितना चीनी का मीठा रस जितना आकृष्ट नहीं करता, उतना रस निंदा का रस आकृष्ट करता है। प्रति करना ही है निंदा यह रस, पर किसी और की नहीं, किसी और की निंदा नहीं। देख लेना जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, जिसकी तुम गलतियाँ दिखा रहे हो, जिसकी गलतियों के लिए दूसरों को ये बताते हुए देखो वो ऐसा ऐसा ऐसा, देखो कि तुम्हारी जिंदगी के साथ में भी वे ही स्रोत बहने रहे हैं, वही गंदगी तुम्हारे जीवन के द्वारा तो नहीं निकल रही है। भगवान कहते हैं कि बस अगर ये दृष्टि बन जाए तो लोग चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन जीवन का सहारा वो फूलों का बगीचा होता है, वे सुगंधित फूल होते हैं, वो सुगंधित बगीचा होता है जो मनुष्य के जीवन को आकृष्ट करता है। करे कुछ भी और गर्हा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है गर्हा, बड़ी कमरा बैठ जाते हैं हम अपनी ये गलतियाँ, और अंदर में बैठ करके भगवान को साक्षी रख करके हम अपने आप की आलोचना कर लेते हैं, लेकिन गर्हा बड़ी कठिन है। एक एक अपनी उस गलतियों को मैंने की है इस विषय में, उसको स्वयं लोगों के सामने कहने से वक्त कहते अरे इसने ऐसा काम किया, इसने ऐसा काम किया, इसने इसको मारा, इसने इसको गाली दी, इसका वह तो अपने गर्हा करके भार मुक्त होना चाहता है, लेकिन उससे दूसरों के लोगों के मन में उसके प्रति जो उपेक्षा, उसके प्रति जो क्या कहना चाहिए, उसके प्रति जो एक भाव पैदा होता है, वो लगता है ये आदमी हमारे साथ बैठने चलने लायक नहीं बचा, इस तरह से उस व्यक्ति के विषय में एक नफरत सी पैदा हो जाती है। और ये आसान नहीं, आसान नहीं अपने जीवन की इस प्रकार की इन बुराइयों के विषय में अपने आप को मुक्त कर देना। साधक हैं, कोशिश करें कि दूसरों की गलतियाँ, दूसरों के व्रतों की छेद और दूसरों की गर्हा करने की अपेक्षा, ये कहते हैं क्या करोगे तुम, अगर करोगे तुम अपनी ही इन सारी गलतियों को देखोगे तो तुम इतने ऊपर में ऊंचाई पर आसमान में चढ़ जाओगे, तुम्हें नीचे दिखाई नहीं देगा। कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को धरती की गंदगी दिखाई नहीं देती, जो धरती पर जीते हैं रेंगते हैं उनको जगह जगह गंदगी दिखाई देती है। अगर तुम भी उस ऊंचाई को पार कर जाओ तो तुम्हें हिमालय को धरती की गंदगी दिखाई नहीं देती, जो वो धरती से बहुत ऊपर उठे हुए उसके शिखर हैं। इसी तरह से हम महावीर कहते हैं हम अपनी जिंदगी की उस ऊंचाई के शिखरों को अगर स्पर्श कर लेंगे तो दुनिया की गंदगी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है कि संवेग से क्या प्राप्त होता है, निर्वेद से क्या प्राप्त होता है। संवेग से एक एक जो है बहुत विलक्षण है कि एक किसी भी संवेग और कुछ नहीं है, एक वह है कि जो जीवन को किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर जो एक व्यक्ति की चेतना आकृष्ट हो जाती है, फिर उसको व्यक्ति की बातों में अपना समय अपना व्यर्थ उन व्यर्थ की चीज़ों पर गंवाना नहीं चाहता, स्मरण रखे व्यर्थ की चीज़ों में जीवन गंवा
घुमा करके हम और कुछ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कोई धन अगर मनुष्य के पास है जो एक बार उपयोग करने के बाद फिर उस धन को दोबारा उपयोग नहीं कर सकोगे, ऐसा वह अपूर्व खजाना वह समय है। और वह महत्वपूर्ण समय अगर इन व्यर्थ की चीज़ों में हम एक एक पैसे को सार्थक जगह पर खर्च करना चाहते, उसको व्यर्थ में लगाना नहीं चाहते, तो पैसा तो फिर भी एक देकर के 100 आ जाएगा, दो देकर के 200 आ जाएगा, पर यह समय जो दे दिया है किसी के लिए, किसी भी काम के लिए, वो वापिस आपके हाथ में नहीं आएगा। तो एक विशिष्ट लक्ष्य की तरफ में जिससे व्यक्ति की दृष्टि पहुंच जाती है, व्यर्थ के काम से अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल अलग कर देता है। और इसी प्रकार से जो एक निर्भय दुनिया की आसक्ति के आकर्षण के अपने आप को मन को जीवन को खींचने वाले बहुत ऐसे दलदल भरे हुए जगह है जो खींच लेती है, पर आपको खींच करके आपको फंसा देगी, आपको ये पता नहीं। ऐसी जगह से सावधान रहने के लिए भगवान ने कहा है। कितनी स्वतंत्रता होगी उन शिष्य को कि जो भी प्रश्न करता है जिज्ञासु बनकर, कुछ शास्त्रार्थ की दृष्टि से नहीं, कोई विवाद की दृष्टि से नहीं, महावीर को हराने की दृष्टि से नहीं, लेकिन एक जिज्ञासु बनकर उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे हैं कभी भी किसी भी प्रश्न से इनकार नहीं किया कि तुम ऐसा व्यर्थ का प्रश्न क्यों पूछते। हर प्रश्न का उत्तर उतनी ही गहराई से दिया है किसी भी प्रश्न की उपेक्षा किए बिना। मैं नहीं सोचती हूँ कि कभी एक साथ में ही ऐसे कभी किसी ने प्रश्न पूछे हों, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने समय समय पर जो भी प्रश्न पूछे होंगे तो उन प्रश्नों के संबंध में उसका उल्लेख करते हुए ये प्रश्न पूछे। हो सकते हैं कल आपके भी प्रश्न हो सकते हैं, 2500 साल के बाद में भी इसी राजगीर में बैठ करके भी कुछ ऐसे ही लोग बैठ करके इन प्रश्नों के समाधान के लिए कोशिश करते होंगे। और इसी दृष्टि से उन्होंने उन प्रश्नों का संकलन आचार्य ने महावीर के द्वारा कहीं उत्तरों का इन शब्दों में हमारे पास में प्रस्तुत किया है। और आज गजब प्रश्न है 16वां, काला पड़े ले हणाय नम बनते, हे बनते, हे भगवान, काल का प्रतिक्रमण का मतलब जीवन का प्रतिक्रमण तो हो सकता है, लेकिन काल का प्रतिक्रमण, समय का प्रतिक्रमण, कैसे अतिक्रमण किया है काल में और काल से समय का अतिक्रमण करके काल को पार करके तुम वापिस प्रतिक्रमण कैसे कर सकते हो। प्रतिक्रमण का अर्थ है वापिस लौटना, और वापिस कब लौटते हो अतिक्रमण किया हो तो, और समय का अतिक्रमण कैसे, और कैसे समय का अतिक्रमण करके वापिस प्रतिक्रमण कर लोगे, कैसे होगा। बहुत गजब की बात है, बहुत सूक्ष्मता से इस बात को शायद मैं इन शब्दों को देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है कितना वो मर्मज्ञ है व्यक्ति, कितना गहराई से उस व्यक्ति ने इस बात को जान करके हमारे समक्ष रखा कि सोचते हो कि तुम काल का अतिक्रमण नहीं करते हो, बैठे हो आज और सोचते हो 10 दिन की बात की समय का अतिक्रमण किया है कि नहीं किया है। आज हो गया है घट और कल की
परसों क्या हुआ था, दरसों क्या था, 10 साल पहले क्या होता, 50 साल पहले क्या होता, भाई ये सब का सब समय का अतिक्रमण करके तुम जा नहीं रहे हो। समय का अतिक्रमण तुम करते हो। और भावी कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो, जो हो चुका है उस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और जो होगा उस पर भी तुम्हारा अतिक्रमण नहीं। इसलिए छोड़ो, काल की चिंता छोड़ो, समय की चिंता छोड़ो, बस समय में आगे और पीछे मत जाओ। जाते रहते ये बिल्कुल अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है कि हम 10 दिन के बाद में जो कुछ होने वाला है उसको जा करके हम देख करके वापस आए ना, 1 घंटे का पहले के 1 मिनट के पहले की जो घटना घट चुकी है वहाँ तक भी तो नहीं जा सकते, तो कल के हजारों वर्ष पहले की जाने को कोई सवाल ही नहीं है। नहीं जा सकते हैं, ना अतीत में जा सकते हैं, ना भविष्य में जा सकते, जिस क्षण में है बस उसी क्षण है। तो जब वही क्षण में जीना है, फिर भी दिमाग, भावनाएं, इमोशंस, जो वासनाएं, सबसे बड़ी जो वासनाएं हैं वह तो भविष्य और भूत की तरफ में भागता रहता है, उसको वर्तमान में जीने नहीं देता, वर्तमान में टिकने नहीं देने वाला अगर कोई है, अगर कोई है तो केवल और केवल कषाय है। मैं मोहनी की भी बात नहीं करती हूँ, चूँकि वो एक फिर तत्व ज्ञान की चर्चा ला करके शास्त्र खड़ा कर देगा तो उनके शब्द में और उलझ जाऊँगी, इसलिए उन शब्दों की कषाय है। और कषाय का मतलब है सीधा राग द्वेष है। हम किस चीज़ की याद करते हैं जिसके प्रति हमें या तो आसक्ति है या जिसके प्रति हमें नफरत है, इन दो बातों को छोड़ करके और कौन सी चीज़ होती है? इसी के पीछे या आगे हम दौड़ते भागते रहते हैं, वर्तमान हमारा कहाँ किस प्रकार से व्यर्थ की चिंताओं में निकल जाता है हम जानते तक नहीं है, ना हमारा समय। महावीर कहते कि वर्तमान में जियो, अगर जीना आ जाए तो वर्तमान में जियोगे जो क्षण, जो आनंदपूर्ण है क्षण उसका, और जो काल प्रतिक्रमण करके काल का जो इस प्रकार से वो देखता है वो क्या करता है, अपने अज्ञान को, ज्ञान के बिना वो कषाय बड़ी, इन दोनों की अंदर में इतनी साठ गांठ है, इतनी पकड़ है दोनों की, कि वो अज्ञान किसको पैदा करता है, मोह को, और मोह किसको पैदा करता है, अज्ञान को। कौन किसका माँ बाप है पता ही नहीं लगता है, और दोनों ही आपस में है अलग, दोनों का अस्तित्व अलग है, लेकिन जैसे वो एक के बिना दूसरा, और एक अगर मर जाएगा तो दूसरा भी मर जाएगा, गजब है, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, ऐसी किसी की दोस्ती शायद दुनिया में नहीं हो सकती उतनी उन दोनों के दुष्टों की दोस्ती है। मित्रों की दोस्ती, अच्छे लोगों की इतनी दोस्ती नहीं हो पाती, लेकिन दुष्टों की दोस्ती बड़ी पक्की होती है, दोनों दुष्टों की दोस्ती बड़ी गहरी है उस मोह की और अज्ञान की, जहाँ मोह वहाँ अज्ञान, जहाँ अज्ञान वहाँ मोह, दोनों ही। तो कहा कि अगर तुम्हारा वो मोह मिटता है तो सबसे पहले तुम्हारा अज्ञान मिटता है, और उस मोह के कारण ही, राग के कारण ही पीछे जाते हो, काल का अतिक्रमण करते हो, और मोह के कारण ही भविष्य का अतिक्रमण करते हो। अगर प्रश्न है तो बस उस नावटे चमगर जाते हो। और कहा कि हम गलत काम कर बैठते हैं, और गलत काम करने के बाद में भी हम कहते भाई हमको प्रायश्चित दो, हमको दंड दो, कर तो चुके हो, अब प्रायश्चित करने से क्या हो जाएगा? अरे रे, मैंने तो बहुत बुरा किया, मैंने तो झूठ बोला, अगर मैंने गलत काम किया, मैंने तो उसको पीट दिया, उसके साथ में मैंने लड़ाई की, उसको मैंने धक्का मार दिया, उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, बड़ा गलत काम किया, उससे क्या होगा? वो तो जिसका हो गया बुरा, उसका जो नुकसान पहुँचाना था वो तो सब कर चुके हैं, अब तुम्हारे बड़बड़ाने से और तुम्हारे सोचने से इससे होना जाना क्या है? क्यों इस तरह से अपने आप को बिल्कुल अपना भी टाइम बर्बाद कर दो, और किसी की सांद का मैंने बहुत गलत किया, मुझे क्षमा कर दो, अरे क्या क्या क्षमा कर दो? ये कहा कि देखो बड़ा विलक्षण है, जिस समय के व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो उसने क्या कहा, बस मैंने कितना सुंदर वह
उसको करने से, प्रायश्चित करने से सबसे पहले वो किसी के दिल को वो क्षमा दे पाता है, कि उसको प्रसन्नता दे पाता है, वह अपने पाप कर्म के बंद से बाध से मुक्त होता है। जब उसे समझ में आता है कि मैंने गलत काम किया, तो उसके भीतर की जो गंदगी है, कह सकते थे कि उसको तुम प्रायश्चित करते हो तो उसको थोड़ी शांति मिल जाए, नहीं कहा पलाय भाव जने उन्होंने भाव ने कहा उसको खुशी हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बस तुम्हारे भीतर की जो गंदगी है उस गंदगी साफ हो जाएगी, प्रायश्चित करने से बस तुम सोचोगे कि आज मैंने वह जो बुराई का पैदा होने का जो उसको जो खाद मिलती थी, उसको जो सिंचन मिल जाता था, उसके योग्य पनपने के लिए जो उसको अवसर मिलता था, उसको अब मैं धीरे 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 कि अब मैं उसको नहीं करूँगा। अपने आप की उस गलती को स्वीकार करने से व्यक्ति स्वयं अपने आप उस भार से, उस बोझ से, उस बुराई से बचने का कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता खोज लेता है। बहुत सुंदर है, बहुत। और क्षमा बनाए, देखो प्रायश्चित अलग है, और देखो ना कितना, अगर मैं किसी को क्षमा कर देता हूँ, दो चीज़ें हैं, मैं क्षमा, हम क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं और क्षमा देते हैं, दो चीज़ें हैं। बहुत बार मांगने के तो भिखारी तो हम सारी ज़िंदगी भर हैं, सारी ज़िंदगी भर मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा, सारी ज़िंदगी भर भगवान से भी क्षमा मांगते हैं और सारी दुनिया से मांगते हैं, और छोटे से मांगते हैं, कीड़े मकोड़ों से भी, भाई मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मांगना एक अलग बात है, वो क्षमा मांगने की बात नहीं करते हैं, वो क्षमा जो क्षमा दे सकता है, क्षमा देखा में ही हम प्रतिक्रमण में, जो मुझे पता नहीं थोड़े से उन शब्दों का अगर हम सही अर्थ निकाल दो, तो हम जब भी कभी संवत्सर के हम आपको क्षमाते हैं, हम आपको क्षमाते हैं, तो मांगते हैं क्षमा, आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना, काय की क्षमा याचना, क्या बहुत कठिन काम है क्या क्षमा याचना, किसी को हमें शर्म आती है किसी की क्षमा मांगनी, कभी क्षमा मांगने में थोड़ा सा संकोच हो के भाई इससे कैसे क्षमा मांगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्षमा मांगने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, देने में, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्षमा देना, जो क्षमा देना चाहता है वही क्षमा भी है, क्षमा मांगने वाला क्षमा का याचक बनकर के वो भिखारी बनकर के सारी जिंदगी में दर दर ठोकरे खाने के सिवा और कुछ नहीं होता, वो मांगता ही रहेगा और मांगता ही रहेगा, और मांगने वाला कभी भिखारी सम्राट नहीं बनता, जो देता है वो सम्राट होता है, जो देना चाहता है वो सम्राट होता है, जो क्षमा है, जो क्षमापण करता है उसके जीवन में क्या होता है, बड़ी सुंदर बात की, उसके जीवन में प्रसन्नता से भर जाता है वो व्यक्ति, जो क्षमा देता है वह जीवन की प्रसन्नता से भर उठता है, जो क्षमा देना चाहता है वही क्षमा का एक तरह से अर्थ समझ सकता है कि उसने मेरे साथ ऐसा अनुचित व्यवहार किया है, मेरे साथ उसने अनुचित व्यवहार किया है, वो जो मुझे प्रिय न था, वो जो और खास करके तकलीफ कहाँ होती है, कोई एक ऐसा एक विरोधी है जो हमसे बहुत दूर है, जिसको हम ऐसे समझेंगे ऐसे ही, वह व्यक्ति अगर हमें कुछ कह देता है तो उसकी चुभन कितनी दूर तक, कितनी दूर तक, वह दो चार दिन तक, फिर तो चार दिन मर्दन कौन उसको याद कर दे, गया वो कहाँ उसको याद करके अपना समय बर्बाद करो, निकल जाता है। तकलीफ किससे होती है, किससे होती है तकलीफ, किससे होती है तकलीफ, जो जितना से जितना जो दिल को कुरेद करके अंदर तक जाता है वही अंदर तक जख्म भी वही करता है,
जो अंदर तक जा कर के जो जो अंदर तक उसको भूख लग गई है, वो बुलाता है कि हमारे खाने का समय हो गया, वो बराबर बराबर वो वही व्यक्ति जो दिल के अंदर तक। और मुझे तो बहुत ऐसे वो प्रतिक्रमण के कुछ शब्दों में वो थोड़ा सा तो ऐसे लगता है कि दो चार शब्द और भी जोड़ दिए जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वो किसकी क्षमा चाहते हो, किसको क्षमा देते हो? 84 लाख जीवायुनि की क्या लेना देना, उन कीड़े मकोड़े जीव जंतु से आपने क्षमा दी तो क्या वो कोई आपके, वो कोई आपकी क्षमा के लिए बैठे नहीं रहा, आपको उनसे क्षमा देने से कोई फायदा? 84 लाख जीवायुनि की करते हो ना संवत्सर का प्रतिक्रम, याद तो होंगे भी थोड़े बहुत, तो शब्द भूल गए हो अब तो बहुत सारे, लेकिन कुछ शब्द तो याद तो रह ही जाते हैं जो जिंदगी के साथ में जुड़े हैं। कितने लाख, कितने लाख जीवों की और कौन कौन से, और फिर उसके भेद भी हैं। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अपका, 7 लाख का, 7 लाख मुस्का, 14 लाख मुस्का, बाद जाने कितने कितने सारे, और टोटल, और टोटल फिर कितने जीवों की, मैं क्या छोड़ कर लूँ उनको 84 लाख। वो जो दो चार लोग हैं ना आपके, जो आपके निकट के लोग हैं, सबसे पहले उनसे ही क्षमा, सबसे पहले मैं अपने परिवार के लोगों से क्षमा चाहता हूँ। वो शब्द उस प्रतिक्रमण के साथ जुड़ जाना चाहिए। जो निकट के व्यक्ति है, जो पड़ोसी है, जो मेरे जीवन के निकट में संपर्क में आते हैं, जिनको आए दिन टकराहट टकराहट से मन की पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, किसी मच्छर ने आकर के काट लिया, कब तक या थोड़ी खुजला ले तो ठीक कर ले तो बात खत्म हो गई, उसने जो पीड़ा भी थी वो बहुत छोटी, एक खून का बूंद भी वो लेकर के गया, कोई ज़्यादा पीड़ा नहीं, पर आपको दिल को बिना खून पिए, खून पीता है कोई घर का आदमी आकर के खून पीता है, हाँ पीता है कोई खून, वो कोई खून नहीं पीता। छोटे बच्चे होंगे तो ज़रूर माँ का दूध पिया होगा, लेकिन इससे तो कुछ नहीं किया होगा, हाँ इतना सब कुछ, पर फिर भी देखो गजब की बात है कि बिना खून पिए एक ऐसी वो इतनी वो ऐसी गहरी चोट कर जाता है कि 2 दिन 4 दिन 2 साल 10 साल छोड़ो ना वो छूटता ही नहीं। मुझे तो सकता कि प्रतिक्रम करना हो तो सबसे पहले अपने परिवार के जिन लोगों के साथ में, अपने साथ में एक अधिक गहराई से जो एक दुख विषाद और पीड़ाएं, और इसी से प्रलाप भाव नहीं आता, जो जीवन की प्रसन्नता आनी चाहिए उस चेहरे की मुस्कान के पीछे भी वो जो विषाद भीतर से भरा पड़ा है, वो जो रुदन भीतर से भरा पड़ा है, कहीं मौका मिल जाए तो आँख में आंसू तैयारी क्यों, ऐसे थोड़ी ऐसे नहीं आते हैं आंसू, पागल हो क्या, आंखें ऐसे पागल नहीं है, वो बहुत गहराई में कहीं ना कहीं चोट लगी उसका वो माध्यम बन करके बाहर में आता है। ऐसे रोते हो कि भीतर में कहीं ना कहीं पीड़ा है, वो कहीं बहाना खोज लेती है और बहाना खोज करके वो फूट पड़ता है झरना। ये प्रहलाद भाव, अगर सचमुच में उस जीवन के उस कांटे को कभी आपने महसूस किया। मैं एक बार जामनगर में थी तो उन दिनों में पैदल चलते थे और चप्पल उप्पल तो उन दिनों में पहनने का तो कोई काम नहीं था, ऐसे ही कच्चा रास्ता था, एक करीब करीब 1.25 इंची काटा मेरे पैर में चुभ गया, वो इसे पता नहीं कैसे इसे चुभ गया, अभी वो जख्म है, कितने 50 वर्ष के बाद में वो जख्म अभी भी है। तो वो काटा अंदर में चला गया, अब वो काटा अंदर में चला गया मतलब एक तरह से वो रास्ता तय करना, फिर किसी तरह से जामजोधपुर पहुंचना, आज जामनगर से निकले थे जामजोधपुर पहुंचना था, तो बिना कहीं पहुंचे कोई डॉक्टर तो मिल नहीं सकता था, फिर डॉक्टर भी मिले तो पुरुष को तो स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो अभी कोई नर्स भी ना मिले तो काटा भी निकालने में, फिर वो डॉक्टर कहते कि देखो तुम इसको ये दवा लगाओ वो लोग तो भाई महाराज किसी से दवा लगा के पट्टी बांध देते, फिर इतना मुश्किल
क्रिटिसिस काटे के साथ में जीना, दिन तो मुश्किल पर रातें तो और मुश्किल हो जाते, कम से कम 15-17 दिन तक विश्व से निकले, फिर वो ये हो गया क्या, फूल गया, फिर सूज गया, फिर उसमें वो पीला पीला कुछ निकल गया, फिर थोड़ा सा ऐसे ही उस नर्स ने दबा करके देखा तो इतना बड़ा ऐसे बाहर में निकल गया, फिर वो इतना बड़ा जब काटने के लग कई दिनों तक, तो वो भाई महाराज ने उसको संभाल के रखा, मैं कप्पे को नी, तो वो काटा निकल गया, और जब वो काटा निकला मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी का इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। मैं सोचती हूँ कि शरीर का काटा, शरीर का काटा अगर निकल जाए, इतना बड़ा शरीर इसमें इतना एक हाथ काटा रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो सहारा ही दे देगा हड्डी की जगह, पर वो इतनी पीड़ा दे सकता है जिंदगी का। तो ये सारे व्यर्थ के मन के गहराई में पहुँचे हुए काटों को अगर हम निकाल सकें तो इससे बड़ी बात। भगवान कहते हैं इस जीवन को तो आनंदपूर्ण बना दो पहले, फिर स्वर्ग की बात, फिर मोक्ष की बात, फिर कर्म के निर्जरा की बात, और फिर दुनिया की बात कर लेना, और फिर उन सूक्ष्मताओं के फिर उन गहरे चक्कर में जाना, बस प्रहलाद भाव, वो प्रहलाद वह जीवन की प्रसन्नता, उस प्रसन्नता में ही कर्म बंध कम होंगे, असाता कम होगी। आप किसी को पीड़ा, आप देखो अगर आप खुश हैं तो किसी को आप दुख दे नहीं सकोगे, आप दुखी बन करके ही दूसरों को दुखी दूंगे, अगर आप सुख में हैं, खुश में हैं, हंसी में, तो भगवान ने कितना एक वैज्ञानिक, कितना लाक्षणिक और कितना सुंदर वो दिया है कि तुम्हारी प्रसन्नता है तो तुम असाता वेदनी कर्म का बंद कर ही नहीं सकते हो, जब भी होगा साता वेदनी, किसी को मैं प्रसन्न, मेरी प्रसन्नता में मैं दूसरों को किस प्रकार से प्रसन्नता दे सकूं, बस ये प्रसन्नता देने का काम। और इसमें से बस एक छोटा सा कोई भी सूत्र आपकी जिंदगी के लिए काम में आ जाए, याद रख लीजिएगा, मैं भी याद रखने का कोशिश करूँगी। बनते इंद्रिया को तो निग्रह करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इंद्रिया स्वयं अपने आप में, क्या इंद्रियों को निग्रह करोगे, इंद्रियां तो स्वयं अपने आप में निग्रह कर लेगी, उसकी थोड़ी सी आवश्यकताएं पूरी कर दो और वो चुप हो जाएंगे। हर इंद्रिय किसी को भी कहीं पर भी आप देख लो, खाना पीना हो, देखना हो, सुनना हो, कुछ चाहिए, सब कुछ जितने भी इंद्रियों की इच्छाएं हैं उसकी एक सीमा है, और सीमा पूरी करने के बाद वितृप्त हो जाएंगी, शांत हो जाएगी। इसी इंद्र निग्रह का प्रश्न नहीं है, कोई इंद्रिय का आप किस तरह से करोगे कि यहाँ पे इतने पेड़ों को देखोगे, इसको नहीं देखोगे, इसको इंद्रियों का तुम्हारे हाथ में वश में है, तुम्हारे तुम क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे, कितना देखोगे कितना नहीं देखोगे, रस्ते से चलोगे हजार चीज़ें तुम्हारी आँखों के समक्ष होंगी, लोगों के बीच में बैठोगे हजारों शब्द तुम्हारे कान पर आएंगे, क्या तुम यह तय करोगे इसके शब्द तुम्हें सुनूंगा, उसके सुनूंगा, उसके सुनूंगा, उसके नहीं सुनूंगा, उसके नहीं सुनूंगा, उसका आप कर सकोगे, कैसे आप कर सकोगे, जहाँ चलोगे दुनिया है, जैसे हैं, जैसे रास्ते हैं, क्या आप अपने लिए अलग से रास्ते बना करके उड़ करके चलोगे, क्या करोगे, अपने रास्ते बनाओगे, दुनिया पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। और ये सारी चीज़ें वे ऐसी हैं कि जो दुनिया किसी संपर्क कर बैठती हैं, और संपर्क करने के बाद में भी वे कहीं पर भी जा करके अटक नहीं जाती, रुक नहीं जाती, फंस नहीं जाती, दलदल में एक तरह से अपने आप को किसी तरह से डुबा नहीं देती, उनको देखना है देखा चला, आंखों ने देखा चल पड़े, आंखें वहाँ रुक नहीं जाती, वो किसी वस्तु को पीछे लेकर के आंखें, इंद्रियां स्वयं शरीर का प्रत्येक अंग अगर आप देखें उसकी लिमिटेशन से, वो अपने कौन है, वो कौन है वो जो आपको इधर रोकता है उधर रोकता है, इधर खींचता है उधर खींचता है, इससे अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, वो दुष्ट है, वो अच्छा है, वो मुझे, कौन है वो आपका, कौन बैठा है, कौन है वो, किसकी चर्चा करोगे, आपके भीतर में आप आँख बंद करके कहीं कोने में बैठ करके सोच लेना, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके सोच लेना,
देख लेना, विचार कर लेना कि अगर ये हमारे जीवन की जितनी भी इंद्रियां हैं उनके लिमिटेशंस हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी आवश्यकताएं बहुत बहुत कम है, वो अपने आप को तृप्त कर लेती है, लेकिन कौन है जो कभी बढ़ता ही नहीं है, और उसको बढ़ने की कोई जगह भी नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि अगर कहीं ऐसा कोई उसके पास खजाना भी हो तो भर करके रख दे शरीर के पास, तो शरीर अगर कोशिश करे तो क्या कर लेगा, खजाना बना लेगा, मकान बना लेगा, दरवाजे बंद कर लेगा, ताले लगा देगा, चाबियां लेकर के घूमेगा, चौकीदार रख देगा, और न जाने क्या क्या जनरेटर, क्या क्या उपाय, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और कहीं कोई हाथ भी लगा दे तो यहाँ पे बैठोगे तो सब जगह का पता भी लगा लेगा। शरीर के पास तो है पर उसकी आवश्यकताएं कितनी है, उसकी आवश्यकता कम है। कौन है जो आपको अपनी तरफ से अनावश्यक पूरी जिंदगी दौड़ लगाने के लिए धक्का मारता रहता है और आप पागल की तरह उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, वो कौन है, वो कौन है? मन है, मन है। और मन के पास कौन सी जगह है, थोड़ा सा खोज के निकालो तो मन कहाँ रखता है। मन को रखने के पास कोई जगह है, कोई मन के पास अगर उसकी दौड़ के पीछे दौड़ते हो, उसकी भाग दौड़ के पीछे तुम पड़े हुए हो सारी जिंदगी, उसको देखो तो सही कौन सी जगह है जहाँ पर ला करके वो सारा चीज़ इकट्ठा करता और रखता हो, थोड़ा बता दो। सुमेधा जी आपने मन की बात कर दी, अभी आपको पता होगा कि कहीं है कोई वो जगह हर नोट में, कहाँ है, कच्छ में, नेपाल में, राजगीर में, कहाँ है वो जगह कि जहाँ आप रख करके आप छूट मुड़ के बोलते हैं वो मन कहते हैं मेरा है। पागल कहीं के उस विक्षिप्त व्यक्ति की, उस विक्षिप्त पाक को चक्कर में फंस जाऊँगी, जानते हो जिसको तुम मेरा कहते हो, इस मेरे जिसको कहते हो, इस जगह को कहने वाले तुम्हारे जैसे अनगिनत लोग आकर के चले गए जिनका मेरा, और वो मिट्टी में मिल गए जिनकी छाती पर कदम रख करके तुम खड़े करते हो, ये मेरा है। और कल तुम भी जाओगे, तुम्हारी छाती पर पता नहीं कितने लोग आकर के कहेंगे कि एक सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, कुत्ते आ सकते हैं, न जाने कौन कौन कहेगा, क्या कहेगा, किस चीज़ को, उस विक्षिप्त के पीछे पड़ करके, उस विक्षिप्त मन के पीछे पड़ करके सारी जिंदगी तुम बर्बाद कर दोगे और वो सुख से नहीं रह पाओगे। बस भगवान कहते हैं इस मन की जो वास्तविकता को, जीवन की वास्तविकता को अगर समझ सको तो जीवन की वास्तविकता को समझने वाला व्यक्ति कर्म करता है। फिर मैं कहती हूँ कि इसका मतलब नहीं काम छोड़ना नहीं, काम करना है, आनंद ले लेना है, और बाकी करता है, काम कर लेता है, लेकिन उसका उसकी जो गांठ है उस गांठ से वो अला सकते हैं। कर्म करना है, काम करना है, काम छोड़ना नहीं है, जो भी बन सकता है काम करना है, लेकिन काम करने के बाद में भी अगर ये छोड़ सको किया है, आनंद ले लो, खुशियां दे दो और निकल जाओ, और बस इसी एकाग्र मन निकला, वो जो मन है, वो मन जो दौड़ाता रहता है, भगाता रहता है, उस मन को क्या कर दो, उसकी दौड़ को क्या कर दो, शांत कर दो कि तुम्हारे पीछे हम दौड़ नहीं सकते हैं, एक साथी बनकर के चलो, तुम हमें अपना दास्य गुलाम
और पराधीन हर दुश्मन मान करके हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करो। अगर आपको मन आपका दुखी कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मन आपका नहीं, आप क्या बन गए? मन के बनना गुलाम बहुत अच्छा लगता है, गुलाम बनना। आप कहोगे वैसा मन कर मानेगा कि मन जो कहते हैं उसकी बात आप सुनोगे। किसकी बात? कर ले आज से संकल्प। भगवान कहते कि देख लो, स्वतंत्र बन करके, राजा बन करके, सम्राट बन करके, जिंदगी के निर्णायक बन करके अगर जीवन का रास्ता तय कर सकोगे उसका आनंद है कि गुलाम बन करके? किसमें मजा है? किसका मजा है? किसकी खुशियाँ लेनी है? बस एकाग का मन, बस मन को अधीन कर दो, अपने स्वाधीन रखो। आपकी आंखें अगर देखना चाहे तो देखेंगे, नहीं तो आंखें बंद कर लेती हैं। खाना चाहोगे खा लोगे, नहीं तो बंद कर दोगे। काम नहीं करना है सो जाओगे बैठ जाओगे, लेकिन मन नहीं, इधर उधर दौड़ना है तो, इधर उधर नहीं भटकना है तो। और इसी ने तो ही सारी जिंदगी को तबाह करके रखा है इसी ने। और अगर एक छोटा सा काम करना आ जाए, छोटा सा ट्रेन करना उसे आ जाए कि कम से कम मेरे घर के आगे सफाई तो कर जाना बाबू, तुम जीवन का कभी इधर उधर की जरूरत पड़ जाए तो दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ला के दे देना, दुनिया की जो अच्छाइयाँ हैं वो अपने घर में आकर के सजा लेना, कहता उससे। लेकिन दुनिया का कचरा, दुनिया की गंदगी, खबरदार के अभी अगर तुम लेकर के आए तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। चलेगा दुनिया की कोई गंदगी, दुनिया का कोई ऐसा कचरा, दुनिया की ऐसी कोई भी पीड़ा, दुनिया का जो मुझे जिंदगी को एक तरह से पानी बनाते, भोजन बनाते, ऐसी कोई भी चीज अगर मेरी जिंदगी में आ जाती है तो उसको मेरे घर में एक कोई भी एक व्यक्ति जो आपने अपने घर में काम करने के लिए रखा है, आपका है, और वह ऐसा ही आलतू फालतू कचरा वो ला करके अगर आपके घर में रख दे, आप क्या करोगे? और लेकर के आ जाओ, बहुत सारी जगह है, काफी बड़े बड़े कोठार, बड़े बड़े जितना ला के रखना है रख दो। कहोगे उसे चाहे जितना बड़ा हो, वह उस दुनिया के कचरा और गंदगी को इकट्ठा करने के लिए हमारा मन खाली नहीं है, यह बात उसे अच्छी तरह से समझा दो। भगवान महावीर यही कहते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, मन को तुम नियंत्रण में रखो, अपने कंट्रोल में रखो, अपने अधीन रखो, उसको उसके अधीन तुम मत बन जाना। बस कितना सुंदर कितना हल्का फुल्का, और कोई ज़्यादा नहीं है। दुनिया पर नियंत्रण तुम तुम्हारे शरीर पर भी नियंत्रण नहीं कर सकोगे, बड़ी खूबी है। शरीर पर भी तुम अगर नियंत्रण करना चाहो कि अभी थोड़ा सा दूसरे और 50-50, 50-100, 200 साल जीना है, इस शरीर को रहने देना, सुन सकेगा ये शरीर आपकी बात? शरीर कहेगा कि मैं
इतने फीट लंबा हूँ, 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट लंबा हूँ, अभी थोड़ा सा 10 फीट लंबा, जैसे पेड़ ऊँचा ऐसे मैं भी ऊँचा बन जाऊँ, शरीर ऊँचा। नैनी बहुत बड़ा है, चिड़िया की तरह छोटा सा हो, जहाँ चाहे उड़ जाओ, बन सकेगा शरीर। शरीर नहीं सुनता है, इंद्रियाँ आपके अधीन नहीं है, आपके निग्रह इंद्रिय निग्रह जिसका कर सकोगे वह कौन है आपके अधीन? एकमात्र और एकमात्र आपका मन है। इसलिए स्मरण रखना कि भगवान ने आपको ये नहीं कहा कि देखो और कभी देखो, सुबह 5 बजे देखो और 10 बजे से 12 बजे तक देखना बंद कर दो, और देखो तो पूरब को देखना और जहाँ भी पश्चिम आ जाए उसको मत देखना, और थोड़ा सा उत्तर में थोड़ा देखना और फिर थोड़ा दक्षिण में देखना और फिर थोड़ा पश्चिम में देखना, ऐसा उनको कभी नहीं कहा आपको, ऐसा कभी नहीं कहा। से देख सकोगे, आँखों को कहोगे इतना ही पूर्व में देखना, इतनी दूर तक देखना, बस 10 कदम देखना, 10 फीट तक देखना, उनके आगे कर देखने को मिल जाए तो उसको बंद कर देना। आँखें आपको आपके नियंत्रण में है, आँखें कि यहाँ से अगर 5 मील तक देखोगे आगे तुम नहीं देख सकोगे, आँखों को कंट्रोल करके तुम कर सकोगे। अभिष भाई कर सकेंगे ऐसा। और ये शब्द जो है इसके शब्द तो मैं सुनूंगा, और उसके जो शब्द आए उसमें से कुछ शब्द सुनूंगा और कुछ शब्द नहीं सुनूंगा। ये कान पर नियंत्रण कर सकोगे, पर मन पर, मन को चाहो तो हमें क्या अपने अंदर में लाना है और क्या अंदर में नहीं लेना है, इस विषय में आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है। और उसी स्वतंत्रता का उपयोग करके और वही आपको परतंत्र बनाती है। आंखों ने कभी आपको इंसान को परतंत्र नहीं बनाया, न बाहर के किसी इंद्रियों ने परतंत्र नहीं बनाया है। उसकी कुछ आवश्यकताएं जीवन की प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं होती, उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेना, और पूरा करने के बाद में वो फिर वहाँ से निवृत्त हो जाता है। वो वास्तविक है लेकिन मन है कि जो कहीं सीमा नहीं जानता, और वो आपको पागल की तरह दौड़ाता रहता है। भगवान महावीर ने बस उस मन निग्रह की बात कही है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। और एक कहा कि कैसे ऐसे होगा कि बुधा ने नम एक जो जीवन है, बस वही एक ही बात एक ही जा करके कहे कि आसक्त जीवन है एक तरफ में, और लिखे अनासक्त जीवन है। तुम अगर आसक्त होकर के जीवन जी सकोगे, फंस जाओगे, रुक जाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। और जिसका जितना अनासक्त जीवन उतना ही उसका विस्तार, उतना ही विराट, उतना ही विकास। कल्पना करो महावीर अगर नंदी वर्धन की तरह अपने ही परिवार में रुक जाते, कितने दूर तक, कितने लोगों तक, कितने समय तक वो पहुंच पाते। जैसे ही उन्होंने अपनी सीमाएं पार की, घर की सीमाएं पार की, परिवार की सीमाएं पार की, राज्य की सीमाएं पार की, अपने शरीर की आवश्यकताएं पार की, संबंधों की सीमाओं को पार कर दिया, और जिसने सारी दुनिया के साथ में अपने संबंध स्थापित किए, और आज भी आप मेरे जैसे लाखों लाख लोग उसके नाम से जीते हैं, उसके नाम से शान से खड़े होते हैं। उसी का नाम चाहिए और उसी के नाम के लिए जीवन को भी पूरी तरह से सौंपने को तैयार होते हैं। जीवित व्यक्ति के लिए भी कोई इतना किसी को प्रेम नहीं कर सकता। जीवित व्यक्ति भी चलो आए गए, भूमा काम निपटा आए गए, बहुत अच्छा हुआ, गए तो बहुत अच्छा, और फिर आए तो कहाँ बलाए, पर ठीक है आ गए तो संभालो उसको। ये स्थितियाँ, इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। और यहाँ उनके जाने के बाद
आज महावीर के विषय में आज मुझे मैं पागल हूँ मुझे अगर मैं दुनिया का सबका सम्मान करते हुए भी मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने कहीं पर भी अपनी भी पकड़ उसे नहीं दी कि मेरा नाम याद रख लेना मुझे स्मरण कर लेना कि दुनिया को भूल जाओ सबको भूल जाओ मुझे भी भूल जाओ अगर याद रखो सो तो तुम स्वयं अपने आप को याद करके तुम आगे बढ़ जाना इतना अनासक्त व्यक्ति दुनिया का और कौन हो सकता है और उस अनासक्त व्यक्ति ने बस आपको यही कहा कि बस अनासक्त होकर के जी सको मैं अनासक्त होकर के इस दुनिया में चला हूँ मेरे आनंद की सीमा न रही आनंद की सीमा न रही तुम भी अपने जीवन में अगर उसी प्रकार से आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हो देखो अनासक्त होकर के और चाहते हो अगर ये बीज जब जमीन में गया तो उसे लगा होगा आश कितनी अच्छी सी जगह है आराम से पृथ्वी में जगह है और बस यहाँ पे आराम से यहीं से तो निकला हूँ और मैं वहीं से यहाँ आकर के बैठ गया हूँ और ये इतना सुंदर न प्रकृति का कोई उपद्रव कोई आराम से बैठा अगर वो वहीं पे रुक जाता वहीं पे रुक जाता और जानते हो अंत में क्या होता क्या होता गल करके न जाने दुनिया में कहाँ से विदा हो जाता लेकिन उससे हिम्मत की नहीं मैं थोड़ा सा और ऊपर उठ करके और ये अनगिनत पशुओं का पक्षियों का आप लोगों का हम लोगों का ऑक्सीजन दे करके प्राणवायु दे करके लोगों के जीवन को इतना आनंद बरसाता रहा तो कितना सुंदर आनंद जो व्यक्ति रुक जाता है उसका जो फंस जाता है पर रुक जाता है उसका विकास नहीं होता न वह सुखी होता है तो दूसरों को सुखी कर पाता है इसलिए करो और क्या करो उड़ना आ जाए और जो उड़ना जानता है वही जिंदगी का सच्चा आनंद ले सकता है ये गृहस्थ और साधु की बात नहीं करते हैं कि साधु भी महा महा बोलो थोड़ा सा महारागी होते हैं अरे गृहस्थ होकर के भी एक ऐसा जीवन जो अनासक्त वैरागी हो सकता है सब कुछ करके भी वहाँ से भी करता है जिम्मेवारी संभालता है पर करने के बाद में भी बस संसार उसके भीतर में नहीं और आप किस पर बैठे हैं अभी आप सब किस पर बैठे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं महावीर को अगर आप कुर्सी पर बैठे हो कोई दिक्कत नहीं आप मालिक बन करके कुर्सी पर बैठे पर महावीर केवल इतना ही कहते हैं तुम बैठो और कुर्सी को माथे पर लेके बैठो बैठो और कुर्सी को माथे पर लेके बैठो कुर्सी पर बैठते हो तो तुम कौन हो कुर्सी के सम्राट हो मालिक हो और तुम अगर माथे पर कुर्सी लेकर बैठो तो क्या बनोगे मैं नहीं बोलती हूँ आप क्या बनोगे मैं नहीं कहती हूँ आप वैसा बने लेकिन बस महावीर केवल इतना ही इनकार करते हैं दुनिया का उपयोग तुम करो पर दुनिया तुम्हारा उपयोग न कर बैठे इसकी सावधानी रखो बस ये सावधानी की साधना है जीवन की समग्र साधना अगर करनी है तो जितनी तुम सावधानी रख सकोगे वही सबसे बड़ी साधना है 71 प्रश्न निर्वाण के पूर्व जो लोग बैठे थे उन्होंने पूछे हैं कितनी स्वतंत्रता थी उस परम ज्ञानी की कि कोई शिष्य बैठा है जिज्ञासु बन करके बैठा है और वो जानना चाहता है
वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा इसलिए भगवान के सामने बैठ करके और ये नहीं पूछा कि मेरे पास में और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं विद्वान बैठे हैं और ज्ञानी बैठे हैं और छोटे लोग भी बैठे हैं अगर मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा तो लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे भगवान की उस सभा में बैठने के बाद में हर व्यक्ति अपने आप को सारी सीमाओं को पार करके प्रभु के चरण में प्रश्न पूछता है कल्पना करें कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी में मेरे भीतर में सब कुछ है मैं ऊपर से अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन जो मेरा कषाय है मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता हूँ लेकिन मैं जो कषाय है भीतर की जो विकृतियाँ हैं उसको मैं नहीं छोड़ता तो उसको छोड़ने से फायदा क्या है पड़े हैं अंदर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं शरीर में कम है शरीर में हड्डियाँ हैं और वो शरीर का कोई एक स्किन के नीचे का एक छोटा सा भाग भी ऊपर में आ जाए तो दूसरों की तो बात जाने दे अपने शरीर में से भी अब वो जो कुछ निकृति विकृति बाहर में आ जाए तो वो हमें भी पसंद नहीं आएगी उसको कहेगा ढक दो कवर कर दो नहीं देखना है तो पड़ा है ना स्किन के भीतर वैसे उसके अंदर में कषाय भी पड़ा है तो क्या बुराई है कभी गड़बड़ी कर लेगा तो उसको थोड़ा सा मलम पट्टी लगा कर उसको ठीक कर देंगे उसको छोड़ने से क्या फायदा होगा उसको छोड़ने से क्या फायदा होगा अज्ञान को छोड़ने का एक भी प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा कि अज्ञान को छोड़ने से क्या होगा उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्ति से जरूर लेकिन वह कषाय को छोड़ने से क्या होगा घर में से क्या निकलते हैं घर में से कचरा बाहर निकलते हैं घर में से काम की चीज़ें नहीं निकलते जो अनावश्यक चीज़ें हैं हर दिन अपने घर में से उसको निकाल फेंकते हो तीर्थंकर महावीर ने उस प्रभु ने हमें यही कहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक घर का कचरा एक शरीर का कचरा एक कपड़े का कचरा जहाँ भी बैठते हो उसके कचरे को साफ करते हो बस इतना ही दिमाग में रख लेना कि इस खोपड़ी में भी जहाँ वहाँ जो गंदगी कचरा अनावश्यक चीज़ें बाहर व्यर्थ बीमारी पैदा कर दे तुमको तकलीफ दे दे तुमको खुशियाँ बढ़ दे तो बढ़ दो कोई दिक्कत नहीं पर खुशियाँ की विपरीत अगर रोला रुला दे तुमको तुम्हारा रुदन पैदा कर दे तो ऐसे कचरे को तुम अपने से रख लेते अगर थोड़े भी समझदार हो प्राज्ञ हो तो उस प्रभु की भूमि में बैठे हैं कर लो संकल्प कि अपनी जिंदगी में से ऐसी कोई विकृति ऐसी कोई कषाय ऐसा कोई भी भाव जो हमारी उस आत्मा के लिए एक दुख का विषाद का कष्ट का अशांति का और कर्म बंध की उस धारा का और आगे से आगे ये भी ना हो कि उस कषाय को रखने से उसमें से कुछ खजाना पैदा होता हो कम से कम उस कचरे से खाद पैदा होता है इस कचरे से बीमारियां पैदा होती ऐसा छोड़ो ना मत उसको और खुद को भी और दूसरों के लिए भी इस खाद से फिर क्या फायदा होगा इस ये जो पत्ते हैं पड़े हैं लेकिन ये सोचते हैं अगर हमें फिर से एक अच्छी जगह मिल जाए तो हम वापिस हरे भरे होकर के आपको ऑक्सीजन देंगे लेकिन हमारे जीवन की उस कषाय की उस क्रोध की अहंकार की लोभ की वासना की विकृति की द्वेष घृणा और नफरत की ये सारी जो गंदगी है वो गंदगी हमको तो तकलीफ देगी ही देगी लेकिन दुनिया को
आज संपूर्ण विश्व में से अगर मानव जीवन की वह गंदगी अगर साफ हो जाए तो पृथ्वी पर से स्वर्ग ही उतर आएगा। फिर पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस पृथ्वी को नरक अगर किसी ने बनाया है, इस पृथ्वी के जीवन को विषाद से अगर किसी ने भर लिया है, इस पृथ्वी को बीमारियों से किसी ने पैदा किया है, तो और किसी ने नहीं, एकमात्र और एकमात्र हम ही उसके हिस्सेदार जिम्मेवार हैं। क्या दुनिया करेगी क्या नहीं करेगी छोड़ दीजिए, दुनिया करे या ना करे, आप तो अपने आप को ठीक तरह से कर लीजिए, आप तो अपने आप को साफ सुथरा कर लीजिए। कभी भी एक पुण्या जैसा व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक संग्रस्त व्यक्ति, आप जानते हैं क्या है उसके पास? मत सोचो कि हमारे पास में बहुत बड़े खजाने होंगे, बहुत बड़ी संपत्ति होगी, बहुत बड़े साधन होंगे, तब हम काम कर सकेंगे। निश्चित रूप से आप तब तो कर ही सकेंगे, बहुत बड़ा कर सकोगे, पर आपके पास में वो पुण्या भी बैठा है, इसी राज्य ग्रह का, इसी जगह का वह व्यक्ति है। क्या है उसके पास? कमाता है, मेहनत करता है, सूत करता है, और सूत करने वाला, आज मत सोचो कि सूत करने वाले गरीब होते उन दिनों में भी, और कितना कमा पाता था, उतना ही कमा पाता था कि वो और उसकी पत्नी दोनों अपना घर किसी प्रकार से चला ले। इससे ज़्यादा वह अपना कोई खजाना या बैंक में या फिर आने वाले कुछ, इतना छोटा सा, पर वो भगवान का शिष्य था, भगवान का भक्त था, और इसी प्रकार से समुद्र में बैठ करके भगवान से कहा था कि देखो अपनी जो लोभ है, अपनी जो आसक्ति, उसका जो विस्तार, उसको थोड़ा सा नियंत्रण करके उसमें कहीं तुम बंटवारा कर दो तो तुम सुखी बनोगे। और उसको पुण्या को बहुत ये बात जच गई और उसने जीवन में संकल्प कर लिया कि अब हम एक काम करेंगे, हमारे घर में जो हम खाना बनाते तो हम दो व्यक्ति के लिए खाना बना लेते, अब हम क्या करेंगे, अब एक दिन खाना खा लेगा और दूसरे दिन वो जो हमारा बचा हुआ खाना है वो हम ना खा करके कोई अतिथि, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति, किसी को भी, कोई भी यात्रक आ जाए तो बस उसको हम भोजन देंगे। एक दिन भगवान बैठे थे सभा में, काफ़ी लोग थे, राजा सम्राट शनि भी बैठे थे, तो सम्राट ने, शनि ने प्रश्न पूछा होगा, प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त, इतना उपासक, आपकी साधना करता हूँ, आपका जहाँ भी जाते हैं जाओ जलाली करता हूँ, गुण गाता हूँ, और जब देखो तब आप में डूबा रहता हूँ, बनते मैं, मेरा जीवन और यहाँ तो यहाँ सब कुछ मुझे मिल गया है, लेकिन परलोक में मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं कहता हूँ जा उस पुण्या के पास जाओ और उसे कहो कि तुम जो धर्म करते हो, तुम जो सामयिक करते हो, एक काम करो, वो जो सामयिक है, वो जो एक साधना का पुण्य है, वो जो शक्ति है, वो साधना का जो बल है, बस एक दिन का, और उसके बदले में तुम जो चाहो जितना चाहो, फिर तुम्हें कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए मेरा काम करना पड़ेगा, न मेहनत करनी पड़ेगी, न किसी के सामने हाथ मिलाना पड़ेगा, जितना चाहिए उतना खजाना तुम्हारा भरा रहेगा और तुम आराम से धर्म ध्यान कर लोगे। पता नहीं उस पुण्या ने जरूर सुना होगा, और कुछ सोचता एक सामयिक ने, चार सामयिक ले लो, और मैं, पुण्या ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि समय की कीमत क्या हो सकती है, समय की कीमत मैं नहीं जानता, मेरे उस धर्म की कीमत, मूल्य मैं नहीं जानता,
और कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप जो प्रेम करते हैं उस प्रेम का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दीजिए, आपकी करुणा का भाव आप मुझे दे दीजिए, आपका सेवा का भाव मुझे दे दीजिए, आपका सपना का बंटवारा हो सकता है, जमीन का बंटवारा हो सकता है, मकान का बंटवारा हो सकता है, दुनिया की तमाम वस्तुओं का बंटवारा हो सकता है, लेकिन आपकी पितर की दिव्यता का बंटवारा नहीं हो सकता। पुण्यालिका मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इसको कैसे बांटूँ और इसकी कैसे कीमत हो, जाओ उसे जिसने तुमसे खरीदने के लिए कहा उसी से पूछ के आओ, नहीं बता सका। मैं ऐसे सोचती हूँ कि वह एक ऐसा दिव्य व्यक्ति जो इन थोड़े से साधनों के साथ में भी कषाय पर चखा, उसने अपनी जो एक छोटी सी इच्छा पर नियंत्रण करने के बाद में भी जितना नाम इतिहास में तीर्थंकर महावीर के जीवन के साथ में सम्राट सैनिक का नाम, उससे भी ऊंचाई पर अगर किसी का नाम आप देखेंगे तो किसका नाम है, क्या है उसके पास, बस आहार पर ये जो आपकी जो कसाय पत्र खान कि वीरागम भावम चलिए, जो एक वितरागता मतलब एक जैसे ही आप कषाय छोड़ देते हैं तो जैसे कषाय से मुक्त हो जाते हैं तो ना आपकी किसी से पकड़ होती है, ना आपकी किसी की पकड़ होती, ना आप किसी से भागना चाहते हैं। ये जो भागदौड़ शब्द है जिंदगी में जानते हो, भागदौड़ भागना भी और दौड़ना भी एक एक अलग अलग है। भागदौड़ एक ही शब्द है कि अलग अलग शब्द है, आप किसी के पीछे भागते हैं और कोई आपके पीछे दौड़ता है, ध्यान रख लेना। आप किसी के पीछे भागते हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए वहाँ जा रहा यहाँ जा रहा, आप किसी के पीछे भागते हैं और आप किसी के पीछे भागते हैं और पीछे भी आपके पीछे कोई लगा रहता है कि चलो चलो। तो ये भाग तो इसे जिंदगी क्या करोगे, अशांत है जीवन। अगर मन हो जाए आप सब लोग बैठे इस प्रभु की भूमि में, वो जो परम शांति का देवता उस इतने इतने वर्षों तक हजारों लाखों की जिंदगी को उस आनंद से भर दिया था, वही आनंद आज भी इस जगह पर प्रभु की वाणी को सुनते हुए आ रहा है। बस हम उस वितरागता के सामने का होता क्या है, ये जब वितरागता आ जाती है तो सबसे सुंदर आपको प्राप्त क्या होता है, तो कहा कितना सुंदर सम सुख दुखे। आपके जीवन में दो चीजें निरंतर हैं, क्या है, एक तरफ में अनुकूलताएं हैं, आपकी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है, आप जो चाहते हैं उसी प्रकार से लोग बोलते हैं, आप जो चाहते हैं वैसे ही लोग करते हैं। और दुख होता है कब होता है, जब आपकी इच्छा के विपरीत परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, गांव के लोग, व्यवसाय के लोग, जहां चाहते हैं आप जो चाहते हैं उससे आपकी इच्छा के विपरीत आपको मिलता है तो प्रतिकूलताएं हो जाती हैं। और प्रतिकूलता से क्या आ जाता है, क्या आता है, पीड़ाएं आती, रुदन आता है, दुख आता है। आप इसको रोक सकोगे, आप रोक सकोगे, आपकी मर्जी के अनुसार संसार को चला सकोगे कि मेरी इच्छा के अनुसार ये सब लोग बोलें, मेरी इच्छा के अनुसार ये चले, मेरी इच्छा के अनुसार ही
मेरी इच्छा के अनुसार दूसरों की बात तो जाने तो ये शरीर भी चलने को राजी नहीं है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम चलो, तुम्हारा तुम्हारे अपने सोचने का तरीका है। शरीर कहता है कि मेरे अपने जाने के रास्ते मैंने अपने आप तय करते, तुम कौन होते हो, दुनिया तो जाने दो, अपना ये शरीर भी अपने अज्ञा में नहीं है तो दुनिया को कहाँ कंट्रोल करोगे। कि इस वास्तविकता को जान करके जिसके भीतर में वितरकता कषाय से व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो दुनिया के सुख उसे उछालते नहीं हैं और दुख उसे गिराते नहीं हैं, वह स्वयं इस रास्ते पर शांति के साथ में जीवन की यात्रा को तय करता है। कैसे चलना है तय कर लीजिए, तय कर लीजिए, इससे बहुत बड़ी बात, इससे कितना आसान है, कितना आसान, कठिन है रास्ता, कठिन है रास्ता, कोई कठिन नहीं है, कठिन बस हम नहीं। उन एक तरफ जब मैं सोचती हूँ कि हमको समझ में आता है फिर भी नहीं समझ में आता, बेकूफ हो, तुमका ज्ञान बना रहा, तुमको जो तुम्हारा ज्ञान वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है, तुम्हें भ्रम पैदा करा रहा है, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें भ्रम पैदा करा रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आता है। जिस दिन समझ में आ जाए सही ढंग से उस दिन उसी क्षण से वो तमाम उन विकृति से मुक्त होकर के ऊपर में उठ जाओगे। नहीं है समझ में आता, इसलिए दुनिया तो धोखा खाते खाते जिंदगी की वर्षों के वर्ष और खाते ही रहते हैं। दुनिया कहते हम तो बहुत आपको प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं। अरे उन शब्दों के अंदर में जाकर के भी झांक करके भी देखोगे, उसके शब्द उसके व्यवहार के अंदर में भी जाकर के देख लोगे, अरे तो बस अगर तुम नहीं हो तो हमारी ज़िंदगी बेकार है, तुम है तो हमारे जीवन है, तुम अगर ना हो तो मेरी ज़िंदगी, अरे वो चले जाते चार दिन रोते उसके पीछे और फिर वही हंसते मुस्कराते हुए अपनी नई दुनिया की नई यात्रा के लिए तैयार खड़े हो जाते हो। कहाँ है बेकार की ये सारे व्यर्थ की झंझटों में से आम कब तक उलझेंगे, बस तीर्थंकर भावी की वृत्ति पे तिष्ठा है। संसार की इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ करके उन विकारों से उन कषायों से उन बुराइयों से अपने आप को जितना बचा करके अपने भीतर को दुखी मत करो। संसार को बदलने की ना चक्रवर्ती की ताकत है, तीर्थंकरों की ताकत है, समझ लीजिए। तीर्थंकर भी दुनिया को नहीं बदल सकते, किसी शिष्य को नहीं बदल सकते, और तो और अब जानते उनके परिवार के कौन व्यक्ति, जानते हो महावीर के परिवार जयमाली कौन था, जयमाली कौन था, वो दरअसल जयमाली है, हम उसको जमाली करते हैं, हमने जयमाली है, मूल में जयमाली है। कौन था जयमाली, और ससुरे सने कौन, सासू और कौन था, ससुरा ही था ना, हाँ वो ससुरा के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति कौन होता है, और भगवान महावीर के वो कौन थे जयमाली, कौन थे जानते, वो दामाद, महावीर के दामाद हैं, और उनकी बेटी कौन है, और पिता के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन होता है, बेटा तो बेटा है कहने को रखता है, वो चाबी चाहे उसको देता है अपने तिजोरी की, लेकिन प्रिय व्यक्ति दिल के निकट में कौन होता है, अपनी बेटी होती बेटी को, और माँ की प्रिय तो, और दुनिया में वो पति भी अलग है माँ बाप भी अलग है, पर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति कौन होता है, उसकी अपनी बेटी है। रूपा को तो अनुभव नहीं है लेकिन उसके गुरु वैसे ही हैं, ऐसे प्रिय से प्रिय व्यक्ति उसको, और सुदर्शना कौन है, तीर्थंकर महावीर की, और इन हजारों शिष्यों के बीच में उनके विरोध में कौन खड़ा है, उनके विरोध में
महावीर के धर्म संघ के विरोध में यहीं पे कौन खड़ा है? जय माली। उससे कहा कि नहीं, महावीर का ये मार्ग सही नहीं है। महावीर जो कहते हैं इसकी अलग ये सिद्धांत है, और उन्होंने उनके जीवन काल में ही एक नए संघ की स्थापना कर दी थी, और जितने शिष्य महावीर बना सके थे उससे कई गुना अधिक शिष्य जयमाली के बने, सुदर्शन के बने, सुदर्शना के बने हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचो कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो तो हमारी बात मानते बाहर के, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं। बस जितनी तुम्हारी आसक्ति उतनी तुम्हारे जीवन के और जीवन है। सुख भी होंगे, दुख भी, गर्म हवाएं भी आएंगी, ठंडी हवाएं भी होंगी, उन हवाओं के बीच में से निकलते हुए भी जिस प्रकार से ये वृक्ष खड़े हैं, यहाँ पे बारिश पानी लगातार बरस जाता है, धूप तपता रहता है, धूप से ये तपते रहते हैं, हवाएं आती हैं, सब कुछ होता है, ठंडी सा लेते हैं, लेकिन खड़े हैं और कोई इनकार नहीं करते हैं। इतनी सारी दुनिया की चीज़ें हमारे आसपास में खड़े हैं, इन शास्त्रों को पढ़ सको, इन शास्त्रों के अर्थ समझ सको, इनकी भाव समझ सको, इनको निकट में ला सको, रख सको। कम से कम ये वृक्ष तो तुम्हारे आंखों के समक्ष है। क्या लेते हैं, क्या देते हो तुम, पर देते कितना अमाप समाप है, और फिर भी अनासक्त होकर के जीते हैं। काश भगवान का एक छोटा सा संदेश, बस उस छोटे से संदेश के आधार पर, बस जितनी विकृतियों का कचरा अपने जीवन से साफ कर सको, जितना कषाय भाव भीतर से साफ कर सको, जितना मन में से, जितना एक ऐसा होगा कि इस कचरे से मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता, ये एक अंदर से एक भाव प्रतिदिन अगर आ जाए तो आज सुबह से शाम तक कितनी बार मैंने गुस्सा किया, कितनी बार मैंने अहंकार किया, मैं बच सकता था, कितनी बार मैंने कपट किया, बच सकता था, कितनी बार मैंने लोभ किया, बच सकता था। मैंने जीवन सुबह से शाम तक दो बार, चार बार, दस बार, जब दूसरा दिन सूरज निकले, नया सूर्य हुआ आकाश में और उसके समक्ष, कह सको कल मैंने इतनी बार अपने मन में दुनिया के कचरे को आने दिया, एक बार तो आज मैं कम कर दूँगा। नहीं, एक बार याद रहता है तो कोई समय निश्चित कर दीजिए, 4 से 5 बजे तक, 2 से 3 बजे तक। अपने साथ धोखा मत करने, जब कोई ना हो सो जाओ उस समय पचकाने नियम कर लो, ऐसे नहीं। जिस समय आपका एक तरह से वो एक्टिव टाइम हो, उस समय सोच लेना कि आज मैं 1 घंटे तक जिससे भी बात करूँगा एकदम शांति से, प्रेम से, सद्भाव से, बिना किसी तनाव के, एक सामान्य लोगों से भी बात करते हो, काम करने वाले व्यक्ति से भी बात कर लेते हो, प्रेम से बात नहीं कर सकते हो। कहाँ रखा ली ये तुमने, कहाँ रखा था, ये रखने की जगह? अरे वो इतना अगर अज्ञानी न होता तो आपके पास काम न कर रहा होता, आपके पास काम करता है, इसलिए उसको वो समझ नहीं है कि उसको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। उसको अगर समझ होती तो कहीं और आपसे भी बड़ी कंपनी खोल करके बैठ जाता, आपसे भी बड़ा व्यवसाय करने बैठता। उसकी समझ उतनी छोटी सी है, उस छोटी सी समझ में कि मेरे पास इतना पानी और मैं इसमें डोलता हूँ, तुम एक छोटे से ग्लास में पानी डालते रहते तो घड़ा पर, इसको कैसे अकल नहीं मैं पानी दे रहा हूँ। अरे वो छोटा सा प्याला, उसकी क्षमता तो देखोगे कि उंधाते रहोगे, थोड़ा सा उसकी क्षमता का अंदाज करके मुगे के साथ अगर व्यवहार करोगे तो निश्चित रूप से अनावश्यक जो संघर्ष और अनावश्यक जो अशांति और व्यर्थ का जो एक तरह से ताप और संताप अंदर में समेटते जाते हो, रुक जाएगा। हम सामने वाले व्यक्ति की पात्रता को बिना जाने
बिना समझे हम धकेलते रहते हैं, डालते रहते हैं। मत डालिए, आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने लिए काम में ले लीजिए, अपनी समझ को अंदर के लिए उसको जो करना है उसका उपयोग कर लीजिए, बाहर के लोगों के लिए मत करिए। आइए इस प्रभु की भूमि में कोई अच्छा संकल्प लेकर के हम आने वाले समय को अपना अत्यंत आनंदपूर्ण बना सके, सुखमय बना सके, शांतिमय बना सके। बस इस आशा के साथ मैं आप सबके लिए बस ये प्रभु का कोई दिव्य हृदय कषाय पचखांड से मन की एकाग्रता से बस आनंद पैदा होता है। मन को अगर अपने कंट्रोल कर लोगे और अपने भीतर की विकृतियों को अगर साफ कर दोगे तो इससे बड़ा साधना का और कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। आप चाहे जितने तप कर लो, चाहे जितना त्याग कर लो, चाहे जितने प्रभु के स्मरण कर लो, चाहे जितनी यात्राएं कर लो, चाहे जितनी पूजाएं कर लो, ये ज़रूर अच्छे वातावरण को पैदा करते हैं। मैं उससे इनकार नहीं करती हूँ, एक अच्छा वातावरण पैदा होता है। आज हम देखते हैं कि पार्श्व चलाने के कारण यहाँ के जो परिसर में जो दिव्यता आई है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। उससे आगे आपको चलना ही होगा। ज़मीन कितनी भी अच्छी हो पर उसके अंदर में बीज तो आपको डालना ही होगा। इसी बीज को और कोई नहीं डाल सकता। आपकी ज़िंदगी में आप स्वयं ही अपने किसान बन सकते हो। हम अपने जीवन में हमेशा हमेशा हर कदम पर किसी न किसी व्यक्ति के सहायता की अपेक्षा करते हैं। हर जगह से लगता है अकेले नहीं चल पाते, सहायता चाहिए, सहायता चाहिए, सहायता चाहिए। बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक जीवन का कोई भी काम करना हो तो व्यक्ति अकेले चलना चाहता है। सब जगह कोई न कोई, कोई न कोई, कोई न कोई, कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन चाहने के बाद में भी उसके प्रति जो हमारी एक उसके प्रति जो एक दो ही चीज़ें होती है, तो इतना एकाकी भाव कि जिसका भी सहायता ले लेते लेते हम उस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं या दूसरी चीज़ होती है उसको धक्का मारना चाहते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं। आपका क्या अनुभव, आपका क्या अनुभव है? हम चाहते हैं सहायता, पर सहायता जैसे ही तो क्या होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो इससे लगता है कि उस पर हमारा अधिकार है, दूसरा लगता है कि बस इसे जितना उपयोग करना है कर लो और बाकी दो धक्का मारो, फेंको इसको, इसको लेना देना इसका फूल मार टो करके ज़िंदगी को, और मुझे कहाँ भोजन बनाना है, बेकार का कचरा मेरे साथ लेकर के नहीं चलना है। क्या लगता है, क्या होता है? ये दोनों ही मतें भगवान के दे बच्चों बाबा थोड़े से अनासक्त होकर के उन्हें ये नहीं कहा कि सहायता के बिना जीवन जी लो। कहा सहायता होने के बाद में भी तुम्हारी जो पकड़ है या तुम्हारे मन का जो द्वेष भाव है वो दोनों ही तुम अगर अपने आप को अलग रख सकर करके अगर उसका उपयोग करके भी, बस वही एक बात बात है कि जीवन अकेले नहीं चल सकता, पर अकेले ना चल करके भी बस वही राग और द्वेष जहाँ कहीं जिंदगी में जो भी दोष का मूल, विकृति का मूल, दुख का मूल, संसार बंध का मूल, जितने भी विषाद के कारण वो वही है। या तो हम फंस जाते हैं या भाग जाते हैं, या तो घर में अकड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या घर छोड़ के भाग जाते हैं। जब घर में आदमी क्या हो जाता है, घर से जम क्या हो जाता है,
लड़ाई झगड़ा तो क्या हो जाता है अब आपके लिए तो कोई उपाय नहीं है, घर तो छोड़ दिया, अब कहाँ जाओगे? अब तो आपके लिए तो कोई छोड़ने का, और वहाँ तो घर में तलाक की कोई व्यवस्था भी है, और यहाँ आपके लिए कोई तलाक की व्यवस्था भी है ना? कोई तलाक वलाक की दीक्षा लेने के बाद में कोई तलाक वलाक, कहाँ जाओगे भाग्य? या तो जहाँ आए वहीं उसी गड्ढे में गिर जाओ, जहाँ से निकले हो उसी गड्ढे में गिरो, कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? भागने की कोई जगह नहीं है। इसलिए देखिए ये जो है छोड़ पकड़ पकड़ छोड़, ये जो चलती है इसके अपेक्षा से भगवान कहते हैं कि जहाँ भी हो जो भी हो बस अपना एक अपने आप को भीतर से एकाकी भाव, जैसे ही किसी की आधार आलंबन लोगे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आएगा ही, या तो अपने स्वभाव में आ जाओ, जिस स्वभाव में आने के बाद में कुछ मिल जाए बहुत खुशी की बात है, और अगर कुछ ना मिले उसके बिना भी चल सकते हैं। कठिन है, बहुत कठिन है, पर कभी जिंदगी में कोई समय आ जाए और कहीं कोई गलत निर्णय करने का विचार आ जाए, कहीं गलत भाव आ जाए, और कहीं ऐसा विचार जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहद बेहद वापिस पश्चाताप करने तक का समय न बचे, उस प्रकार की कोई बात अपने जीवन से न हो जाए, बस इसी के लिए भगवान का यह संदेश है कि ऐसा न हो जाए। और ये रोज उठ करके आत्महत्याओं की घटनाएं सुनते हैं कि कोई डूब गया है, कोई ने चला लिया है, किसी ने फांसी ले ली है, कहाँ इस तरह से। और ऐसा अगर हो जाता है तो उसे जिंदगी में दोबारा चांस तक नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान इस प्रकार की जो एक विचारों की उत्तेजना की पराकाष्ठा से जिंदगी एक तरह से अनर्थ कर बैठती है, उस अनर्थ से अपने आप को बचाने के लिए भगवान का संदेश है, आदेश है। प्रश्न है, मुझे तो ये सूत्र न जाने मैंने कितनी बार पढ़ा है, इतना प्रिय है मुझे, बेया वच करना है, बेया बच्चे नम भैया प्रति सेवा से, किसी के सहयोगी बनने से, सहयोग मत लो, सहयोग की अपेक्षा मत करो, पर सहयोगी बनोगे तो कसब की बात है, दूसरे की सहयोग की अपेक्षा न करो कि ये मेरी सेवा करे, पर तुम्हें अगर सेवा करने का मौका अगर मिल जाए तो भगवान करते तीर्थंकर बन जाओगे। कहते इसने किया तो मैं उसका हिसाब चुकाऊंगा करूंगा, और इसने नहीं किया मुझे तो इतनी सी जरूरत पड़ती है तो मेरी तरफ तो आदमी दिखता भी नहीं है, मुझे क्या पड़ी है ऐसे हिसाब किताब लगाते रहोगे तो भगवान कहते हैं ऐसे ही वहीं पड़े रहोगे, कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। और एक बार मैंने ऐसा ही अपना कुछ फोटो किसी शिला पिछले मुझे दिया और कहा इस पर आप कुछ लिख दीजिए, पता नहीं मैं क्या बैठे बैठे गिनती कर रही थी, क्या गिनती कर रही थी, मैंने अपने लिए वो प्रश्न पूछा है, क्या गिनती करते हो, किसकी गिनती करते हो,
जो तुमने अच्छा काम किया उसको गिनती कर रही हो, या तुम्हारे लिए किसी ने दूसरों ने जो अच्छा काम किया उसकी गिनती कर रहे हो? किस काम की गिनती करते हो? दूसरों के लिए हमने इस समय इतना दान दिया, इतना उसके लिए काम किया, उसके लिए हमने इतने घंटे पढ़ाई की, इतना कहने से वहाँ पे हम गए, कितनी गिनती, कितनी गिनती, सुबह से शाम तक कितनी माला खेली, कितने घंटे स्वाध्याय किया, कितने घंटे काम किए, कितने, और कितने घंटे सोए, वो अंदर की बात है, उसकी चर्चा मत करना। कितना घंटा व्यर्थ की बातों में तुमने कमा दिया उसकी गिनती? जब कोई गिनती करने की बात हो तो जिंदगी का वो आवश्यक है, वो नहीं गिनना है। काम कितने घंटे किए, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 15 घंटा 18 घंटा, पर जिस दिन कितने घंटे सोए हैं, कितने घंटा समय गवाया है, उसकी कभी हम गिनती करना नहीं चाहते। दूसरों की सहायता लेते हो, लेकिन दूसरों के लिए अगर तुम सहायक बन सकते हो तो भगवान कहते हैं तुम दूसरों का सहयोग करने वाला ही कौन व्यक्ति बनता है। बस इसी एक ही इन 71 बोल में तीर्थंकर बनने का, किस किस को बनना है तीर्थंकर, किस किस को बनना है? मोक्ष में जाना हो कि जाना बात अलग है, पर तीर्थंकर किस किस को बनना है, तीर्थंकर किस किस को बनना है? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी में अगर कोई पद पाने जैसा है तो बस वो तीर्थंकर पद पाने जैसा है, कि जो दुनिया के लिए बस करुणा का अमृत लुटाता रहता है, बरसता रहता है, बस उसके अतिरिक्त और किससे समझौता करना है, क्या बनना है? तीर्थंकर अगर बनना है तो एक रास्ता है, वह है बस दूसरों के सहयोगी बनो, दूसरे के लिए उपयोगी बनो। कभी भी किसी के लिए भी जब एक अवसर आ जाए, और फिर अपने पास में जब बहुत बड़ी कीमती चीज़ें मिल जाती है तो उसको कहाँ रख लेते, कहाँ रखते हैं? जो बहुत कीमती चीज़ें मिल जाती है, बहुत कीमती, जो दुनिया के पास में बहुत विशिष्ट लोगों को भी प्राप्त होने मुश्किल है, पर चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आप उसे कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे टेबल उबल से जा करके उस पर रखोगे, कहाँ रखोगे? अलमारी में भी डर लगता है, कोई इधर से उधर से खोल देगा, कोई आगे पीछे से खोल देगा, कोई दूसरी चाबी लगा के खोल देगा, कोई उठा के अलमारी लेके भाग जाएगा, क्या करेगा, क्या करोगे, कहाँ रखोगे? और ऐसे लगता है कि कोई जमीन सुरक्षित नहीं, आसमान सुरक्षित नहीं, तिजोरी सुरक्षित नहीं, अलमारियाँ सुरक्षित नहीं, और बैंक भी सुरक्षित नहीं, कहाँ जाओगे, कहाँ रखोगे? उसको इतना छुपा के रखते हैं, इसको छुपा के रखते हैं, और चाहते हैं ऐसी जगह पर रख ले कि जहाँ पर किसी की दृष्टि ना हो और मैं वह अपने पास में रखूँ। भगवान कहते हैं कि जो भी सद्गुण है वो उन कीमती चीज़ों से भी, वो क्या है, बहुत बहुत कीमती है। उनको मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके लिए वो किया, ऐसे सड़क पर जैसे वो कौन सी सड़क में वो दुकान बैठते हैं ना, वो अभी आप यहाँ पे बैठते हैं, बहुत सारे दुकानदार बैठते हैं, आओ 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 मेरे पास
इतने रुपए में वो दूसरा कहते हैं मेरे पास इससे कम में है, वो कहते हैं अरे वहाँ नहीं मेरे यहाँ पे आओ आओ, वो दुकानदार जैसे आपको बुलाते रहते आप बेचना चाहते हैं ऐसी चीज़ें, देखो मेरे पास ये अच्छा है, मेरे पास ये अच्छा, मैं ये अच्छा करता हूँ, ये मेरे बाबू क्या उन अच्छाइयों की दुकानदारियाँ मान करके बैठे हो, तुम्हारी सुगंध है दुनिया अपने पास, अपने पास अपने आप आएगी अपने पास बुलाने के लिए, आपको कहीं कोई निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं है। भाई और बहनों, बस इस प्रभु की भूमिका इतना सुंदर संदेश है कि तुम जो भी अच्छा काम कर लो उसका प्रदर्शन ना करो, उसकी गिनती ना करो, उसको दुनिया के समक्ष अपने उसके बखान कर करके उसके गुणों को कम मत करो, उसकी ताकत कम मत करो, जो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं वे सड़क पर वो चादर बिछा करके बेच देनी है, वह इतने अंदर में आकर के वो लेना चाहे तो वो अंदर से बाहर निकल करके आती, अन्यथा नहीं आती। आपका जो सद्गुण है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो आपने जो कमा के रखी है उसको अंदर में ही चुपचाप अगर कोई जानना चाहे, कोई पाना चाहे, उस विषय कोई चर्चा करना चाहे, तो उतनी सी बात कर दो कि जो उसके जीवन में भी वह अमृत का स्पर्श हो जाए, वहाँ तक उससे ज़्यादा अपने उन अच्छाइयों की उस सत्कर्म की व्यर्थ में प्रदर्शन ना करो। हमारी इस जिंदगी में सबसे बड़ी कमी है, बहुत कमी है। कभी हम किसी को कहते हैं मुझे तो बहुत बार गुस्सा आ जाता है, मैं अगर कोई मेरी इच्छा के विपरीत हो जाता है तो मैं थोड़ा सा तड़प जाता हूँ, लोगों को भला बुरा कहना शुरू कर देता हूँ, मुँह चढ़ा लेता हूँ, वहाँ से चला जाता हूँ, घर छोड़ के भाग जाने का मन करता है। कहते हैं लोगों को कि लिखा है अखबार में अमर भारती में कि चंदन जी का जीवन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये ऐसे ये अच्छे हैं, ये लेखक हैं, महान हैं, पूज्य हैं, पता नहीं कौन कौन से विशेषणों से लिखते हो और अपनी वो बुराइयाँ सबको दुनिया को पता होता है फिर भी उसको नहीं, और जो अच्छा है या कोई लेना देना कहीं से आया है, जो कहीं से ऊपर से गहने की तरफ बन रखा है वो खाई नहीं, उस पर अपने मोहर लगाते हो, शर्म करो। महावीर कहते हैं कि जो भी अच्छा काम करो उसका प्रदर्शन ना करो, मैंने किया, इतना इसे उस बात से अपने आप को जितना परहेज कर सकोगे, स्मरण रखना उतनी ही साधना की अंदर की गहराई की स्वंद तुम्हारे जीवन को और महान बना देगी। मैं यह अवश्य करना आए, किसी की सहायता की चिंता मत करो, पर किसी के सहयोगी अगर बनोगे तो सहयोगी बन करके एक दिन तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि लोग तुमसे तुम्हारी अच्छाइयों का एक इतना सुंदरता से उसको स्वीकार करेंगे कि तुमको फिर उसके लिए बड़बोले होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह अवश्य करना है, कितना सुंदर है कि वितरकता से क्या हो जाएगा अगर मैं, वो कहते कि कहीं पर भी ये जो तुम्हारी वितरकता है कुछ शास्त्रीय शब्द ज़्यादा होने से उनका अगर मैं अर्थ विवेचन करने बैठ जाऊँ तो सारा का सारा कर्म ग्रंथ खोल करके रखना पड़ेगा, और अभी वो समय नहीं है उस कर्म ग्रंथ की चर्चा करूँ, लेकिन संक्षेप में केवल मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा वो है कि अनंतानुबंधी का हमारी जो विकृतियां हैं उन विकृतियों की जड़ें इतनी गहरी ना हो कि वो एक
बार वो जो विकृति अंदर में चली जाए तो उसकी जड़ें इतनी गहरी 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 कि दिन के दिन निकल जाए, दिन के दिन निकल जाए, समय बह जाए, वर्ष पर वर्ष व्यतीत हो जाए, सीजन पर सीजन निकल जाए, जिंदगी का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे किनारे पर भी आकर के खड़े हो जाए, इतना सब कुछ होने के बाद में भी जीवन के भीतर की जो वो अनंतानुबंधी है, वो कहीं कोई दुर्घटना घटी है तो उस घटना की गांठ, वो जो गांठ है उस गांठ को क्या नहीं कर पाते, और बस वह जो गांठ है ध्यान रख लेना, वह शरीर के भीतर में किसी डॉक्टर से जा करके पूछो कि अगर गांठ है तो वह शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उसका इलाज तत्काल में किया जाना चाहिए। तो कहते हैं कि वही उसी तरह से ये जो अनंतानुबंध, वो जो बंधन, वो जो गांठ है दुनिया का और अपनी आत्मा का, वो जो बंधन है वो तुम्हें इसी जन्म में नहीं, आगे से आगे आगे से आगे वो एक ऐसा जहरीला जीवन बहुत दूर तक चला जाएगा अगर तुम चाहते हो। तुम चाहते हो तो कहा अनंतानुबंधी, कम से कम चाहते हो वे कषाय भूने के प्रमुख चार भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो संज्वलन आता है गुस्सा आया और थोड़ा सा ऐसे ही जैसे हवा आती है निकल जाती है, ऐसा ही मन पर भी कोई गुस्सा, विकृति, क्रोध, घृणा, नफरत आया और हवा जैसे बह जाती है ऐसा ही वो कषाय भी बह जाए, उसको संज्वलन कहते हैं। पर जो थोड़ा सा घर बना दे, जगह बना दे, जैसे कच्ची ठंड लग जाए तो ठंड लगने के बाद में वो दो चार चमना वो चिक 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 करते रहते हैं, सर्दी होती रहती है, वो कुछ वो प्रत्याख्यान, थोड़ा सा अप्रत्याख्यान जब तक आपस में मिल करके वे दोनों बैठ करके वो क्षमापना न कर ले तब तक वो विकृति न जाए, वो अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, जो वो कचरा बाहर में नहीं, संज्वलन बाहर में है, प्रत्याख्यान बाहर है, अप्रत्याख्यान बाहर है, पर अनंतानुबंधी अंदर है, कुछ नहीं दिखाई देगा, गांठ बाहर नहीं दिखाई देती है, बुखार तो बाहर दिखाई देता है, खांसी बाहर दिखाई देता है, छींक बाहर दिखाई देती, पर गांठ अंदर है। ऐसे ही अनंतानुबंधी जो कषाय है वो अंदर की चेतना का और अंदर के अस्तित्व का, आत्मा का, उसकी एक ऐसी कि जब चाहो जब याद करो एकदम तरोताजा बैठ करके, बाहर में कुछ नहीं दिखा देगा रन वो उसका। भगवान कहते हैं बचो इससे, अगर वितरकता चाहिए तो इस कषाय भाव से अपने आप को मुक्त करो और क्षमा रखो बाबा, क्षमा रखो, क्षमा करने से बस कोई भी जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए, कितना छोटा सा सुखीन परिस है, जो परिस ये 4700 सूत्र परिस है, परिस है जो जीवन में कष्ट आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, अगर तुम्हें जीवन में क्षमा है, अगर तुम्हारे जीवन में शांति है और अगर तुम उस शांति से, तितिक्षा से, सहनशीलता से अगर तुम्हें सहन करना आ जाए तो दुनिया के कष्ट तुम्हें दुखी नहीं बना सकते। दुनिया के कष्ट तो वो कष्ट को मिटाने की बात नहीं करते, कष्ट जो होंगे होंगे, पर तुम पर वो विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, तुम उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। आया है कष्ट
तुमने क्षमा रखी, कष्ट कहाँ चला जाएगा, ध्यान रखना कष्ट से, तकलीफ से, दुख से, उस विषाद से अगर बचना है क्षमा करना सीखो। और ताकि भाव सत्य हो, बहुत बार हमारे जीवन के एक योग और एक भाव दो प्रवाह में जीवन बहता है, एक अंतरंग जीवन और एक बाहर जैसे मन है, क्रिया है, शब्द है, अलग अलग तरह का जीवन, शरीर से संबंधित एक जीवन और एक अंतरंग जीवन दो तरह से। तो बहुत बार दुनिया के व्यवहार की दृष्टि से हम बाहर में तो अपने आप को व्यवस्थित प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो अंतरंग जीवन है भाव, वे अगर विशुद्ध नहीं है, वे अगर सही नहीं है, भक्ति करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, सत्य करना पड़ता है। भगवान महावीर कहते हैं भाव शुद्धि नहीं है, अगर भाव शुद्धि है तो फिर वो अपने आप खिलता है, अपने आप प्रकट होता है। जैसे एक फूल है, उसकी सुगंध को बाहर निकलने के लिए फूलों को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप खिलता है। लेकिन हमें अगर सुगंधित होता है तो हमें वो क्या लगाना पड़ता है, परफ्यूम लगाना पड़ता है, क्रीम लगानी पड़ती है, तेल लगाना पड़ता है, न जाने किन किन, और वो कितनी देर तक टिकता है उसकी बात नहीं, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद। महावीर कहते हैं कि ये जो करण सत्य और भाव सत्य, इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है, बाहर और भीतर इतना ही अंतर है। भीतर से अगर भाव शुद्ध है तो जो भी करेगा, जब भी करेगा, जैसा भी करेगा, जहाँ भी करेगा, जिसके साथ भी करेगा, उसका जो व्यवहार है वो कैसा होगा, कैसे होगा, आपके लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग, इसके लिए अलग, यहाँ अलग, वहाँ अलग, सुबह अलग, शाम को अलग, गाँव में अलग, बाहर। इस प्रकार से कभी फूल को देखा है, फूल को कभी फूल को देखा है, और तो चाहे प्रभु के चरण में चढ़ा दो, प्रभु के चरण में चढ़ा दो। और मुझे बहुत पीड़ा होती है कि कोई व्यक्ति फूलों को तोड़ तोड़ करके भगवान को चढ़ाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा भगवान से पूछ लो क्यों चढ़ाते हो। उन फूलों को उस डाली पर वो अपने लिए खिला है, वो प्रकृति को सौंदर्य सुगंध जो उसके पास में आते हैं वो अपने पास रख करके कभी भी वो जाता नहीं, वो दुनिया को लुटा करके ही जाता है। तुम क्यों उसको नोचते हो, तुम उसे क्यों नोचते हो, और वो भी भगवान के नाम पर। अरे रे रे, इस दुष्कर्म से अगर हम बच सके, इस पाप से अगर हम बच सके, इस दुष्टता, जो व्यक्ति भगवान के लिए दुष्ट कर्म कर सकता है वो दुनिया के लिए कर सकता है, उसको दुष्टता करने में बिल्कुल बिल्कुल संकोच नहीं होता। भगवान के नाम पर, कम से कम अपने नाम पर, अपने को खाना है, पेट भरना है, इतनी भूख लगी खाए बिना नहीं पाओगे, और उसके लिए सब्जी तोड़ते हो, फल तोड़ते हो। मैं तो कहती हूँ, जब वो फलों को, मैं कच्छ में होती हूँ और उन पेड़ों पर जब आम होते हैं, मैं क्या, कच्चा फल मत तोड़ो, मत तोड़ो, जब फल पक जाएगा अपने आप वो दे देगा, अपने आप दे देगा, मत तोड़ो। तो इसी तरह से प्रकृति जब खुद दे रही है, लुटा रही है, तो जो दे रहे हैं उसको नोच लोगे, इतनी क्रूरता,
इतनी क्रूरता, थोड़ा सा उस पेड़ के पास जाकर के खड़े हो जाओ कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, और अगर मेरा कोई इस प्रकार से, मेरी कोई चीज़ें अगर इस तरह से इतनी दुष्टता के साथ में, मुझे क्या होगा? अगर मैं तो इन पेड़ों के बीच में रहती हूँ, मैं जानती हूँ कि पेड़ों में भी कितना बड़ा जीवन है, इन पक्षियों में भी कितना बड़ा जीवन है, कितना बड़ा जीवन ये जो मैं कभी उसको भूल नहीं पाती हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है उस पेड़ को मैं देख लेती हूँ, उसके पास जा कर के खड़ी हो जाती हूँ। अभी वो जो ध्यान मेरे के पास में जो बेर का पेड़ है, जब मैं आई थी इतना छोटा सा था, मेरे घुटने से भी छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े होते होते इतना विशाल, और आज वो प्रतिवर्ष लाखों फल। 5-7 वर्ष पहले की बात है कि फल इतने लगे हुए हैं, इतने सुंदर फल, इतने स्वादिष्ट फल, पर उन फलों में बेर के पेड़ ऐसे लंबे खारी बोर वो महाराष्ट्र का वो, और बहुत खट्टा मीठा, बहुत अच्छा, उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो वो तो उस पर उस वर्ष में पता नहीं कहाँ से इतने कीड़े हर फल में, वो एक लट कहते हैं वो, हर फल में, हर फल में। मैंने देखा, मैंने कहा लोग तो आएंगे ही, तोड़ेंगे ही, खाएंगे, देखेंगे, उसमें फेंकेंगे। मैं उस पेड़ के पास गई, शुभम जी भी पास में थे और भी लोग थे, उस पेड़ के पास खड़ी हो गई और उस पेड़ से कहा कि इतने फल, इन फलों में कीड़े लग जाएंगे और मर जाएंगे, कैसे कोई विश्वास करेगा? मैं नहीं जानती कि दूसरे दिन से उस हजारों लाखों फल में एक भी कीड़ा नहीं, और आज भी लाखों फल लग जाते हैं और लाखों फलों में लोग भर भर करके प्रेम से लेकर के जाते हैं, एक भी फल में कोई कीड़ा नहीं है, तब से नहीं है। पेड़ भी सुधरे, थोड़ा प्रेम करना सीखो। मैं इसी ये जो वटवृक्ष हैं चिदंबरम के पास से, तो एक बार बहुत सारे पक्षी, पूरा पेड़ ने, पेड़ को उन पक्षियों ने अपना चारों तरफ में घेरा डाल करके रखा था, चू 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 चू। तो सुबह करीब हम उस चिदंबरम में, और चिदंबरम से नेत्र ज्योति सेवा मंदिर की तरफ में जा रहे थे, मरीजों को देखने के लिए। ऑपरेशन हो गए थे सुबह मरीजों को देखने के लिए, तो वहाँ पे देखा सड़क पर कहीं पैर रखने की जगह नहीं, इतना गंदा गंदा सब जगह 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 जगह, क्योंकि इतने पक्षी बैठे कहीं पर भी, तो उस पेड़ पर कदम रखने की जगह नहीं। तो मैंने शुभम जी से कहा कि शुभम जी, इस रास्ते से नहीं, अपने उस रास्ते से होकर के अपने उसमें जाते हैं। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, उस दिन से एक भी पक्षी उस पेड़ पर नहीं, बस सब के सब पक्षी सामने वाले पेड़, जो अपना बाउंड्री है उसके पास में काफ़ी बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर जाकर के बैठते हैं। इस पेड़ पर पक्षी नहीं, इस पेड़ पर पक्षी नहीं, ये तोते हैं, ये प्रेम भी करते हैं, डांटते भी हैं, गजब के हैं। मनुष्य अपनी भावना की अभिव्यक्ति में बहुत दम्भी, झूठा और मायावी है। जब पेड़ पौधे पशु पक्षी जो दिल में है वही बाहर में है, मनुष्य भीतर कुछ, बाहर कुछ, बाहर में कुछ, भीतर कुछ, ऊपर कुछ, नीचे कुछ, इसके साथ जितना बहुरूपिया अपने चेहरे ने बदलता हो उससे भी ज़्यादा इंसान अपना महावीर कहते भाव सत्य, जो भीतर से सही है उसको बाहर से सफाई की कोशिश करनी नहीं पड़ती है। बस जो भीतर से सत्य है स्मरण रखना, जो
जो भीतर से सत्य है, भीतर से सही है, कोशिश करो कि भीतर की बुराइयों को, भीतर की बुराइयों को बस जितना हो सके, जितना साफ कर सको, उसको जितना क्लीन कर सको, जितनी चमक ला सको, जितनी दिव्यता ला सको, जितनी उस व्यर्थ के भार से अपने आप को हल्का कर सको, बस भाव सत्य और करण सत्य सब कह दिया है। अब काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, पर काम सही ढंग से करा करो बाबू, अच्छी तरह से करा करो। पढ़ते हो तो मन लगा करके पढ़ो, घसों में वो ये नहीं कहते हैं मन लगा करके पढ़ा करो। सुनते हो तो मन लगा करके सुनो, खाना खा रहे हो प्रेम से खा लो, छोड़ दिया है प्रेम से छोड़ दो, जो भी तुम्हारी क्रिया है बस सही और प्रेम पूर्ण हो। और एक शब्द दिया, जहाँ माई तहाँ कारी, शब्द जहाँ माई, जैसे वो बोलता है वैसे वो करता है, बोलता कुछ करता कुछ, ऐसा नहीं। मैं तो पढ़ता हूँ, बोलता तो पढ़ता हूँ और मोबाइल देखता है, क्या करते हूँ, स्वाध्याय कर रहे हैं, लिखते हैं। भगवान मना करते हैं, बस जिस जहाँ माई तहाँ कारी, जहाँ माई तहाँ कारी, बड़े शब्द, यथा मादी तथा कारी, जैसे बोलते हो उसी प्रकार से तुम्हारा काम हो। दो तरफ में चलोगे लोगों में, फिर इससे क्या होता, जो इस प्रकार से जहाँ माई तहाँ कारी ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो स्वयं तो निश्चिंत रहता ही रहता है, पर दुनिया पे निश्चिंत तो हो जाती है उससे कि ये इसका यह असन्यता की शब्द अलग है, इसका कर्म अलग है, इस रूप से व्यक्ति को तोड़ करके अलग नहीं देखा जाता। उस व्यक्ति की अखंडता के विषय में लोगों में एक विश्वास पैदा होता है कि इसके शब्द और इसका कर्म एक ही दिशा में और एक ही दिशा की तरह प्रकट होता है। दिव्य वाणी है, कोई सूत्र समझ में आ जाए, कोई सूत्र, कोई बात, कोई छोटी सी तत्व, कोई छोटा सा, इतना बड़ा सागर तो हम पी नहीं पाएंगे, इतने बड़े उस परम ज्ञान को, उस वितरकता की विराट दर्शन को हम देख नहीं पाएंगे, पर कहीं एक छोटी सी किरण भी हमारी जिंदगी में आ जाए, जहाँ माई तहाँ कारी, इतना भी आ जाए, इतना भी आ जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़े कल्याण की बात होगी। शायद आपको भी इतने सारे प्रश्नों में से एक प्रश्न और खड़ा हो गया होगा, उन्होंने सभी की सभी बातें व्यक्तिनिष्ठ, साधक निष्ठ और साधना के आसपास की बातें उसी को ही केंद्र में बनाकर सारे प्रश्न सारे समाधान कहीं पर भी नवतत्व को जानने से क्या होगा, छद्रव्य को जानने से क्या होगा, षड्रव्य के स्वरूप को पहचानने से क्या होगा, इस दुनिया का प्रारंभ कब हुआ, उसका अंत कब होगा, इस दुनिया को किसने बनाया, हम कहाँ से आए, क्या करने से हमें स्वर्ग प्राप्त होगा,
एक भी प्रश्न है इस तरह का, एक भी प्रश्न है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए। आप बैठे हैं, जा ही रहे हैं, जाते जाते थोड़ा सा खंगाल लीजिए अपने आप को हमारे सामने। कहीं नहीं, और तीर्थंकर महावीर ने भी तमाम प्रश्नों का, बस आपके जीवन से संबंधित, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, कि आपको किस प्रश्न पर मैं आपको हमारा मन अगर नियंत्रित नहीं है तो दुखी कौन होंगे, दुखी कौन होंगे, प्रश्न किसके जीवन के खड़े होंगे। मन अगर विचलित है तो कौन दुखी होगा दुनिया का। आपका मन अगर दुखी है, विचलित है, उद्वेलित है, उद्विग्न है, बेचैन है, शांति नहीं है या सुख है, आपके साथ दुनिया में कौन लोग हैं, कोई है, कोई घुस सकता है आपके मन के साथ, आपके मन के साथ कोई दुनिया की किसी की भी ताकत नहीं है कि आपके भीतर में जा करके आपको सहयोग कर दे। शब्द और वो थोड़ा सा माया मीडिया कहीं कोई पाँव उतरने की कोशिश करे तो उतर नहीं पाता, बहुत किनारे पे रह जाता है। कोई किसी के मन में उतरना भी चाहे, कौन सी सीढ़ियाँ है, न ढाल है, न रैंप है, न स्टेप्स है, न आसमान से गिर करके नीचे गिरो तब भी ऐसा गिरने का भी कि आपके मन में कोई रखे और धड़ाम से आप तक पहुंचा, कोई रास्ता नहीं है, है? आपके मन तक पहुंचने का कोई नहीं पहुंच सकता। और आप अपने मन से किसी को चुभा सकते हैं, किसी को फूल चढ़ा दे सकते हैं, मन से मरते रहो, गिरते रहो, सुखी होते रहो, जो करना है आपका अपना मन, मरो जीव जो करना है वो करो, सुखी बनना है तो तुम्हारे मन को थोड़ा सा संवार करके रखो, और नहीं संवारना आ जाए तो वही कचरा पट्टी गंदगी पैदा करके बीमार होकर के सड़ करके मर जाओ, तुम्हारे अपनी खुशी की बात है। लेकिन एक शब्द बड़ा आगे का कहा है कि एक बात वो है जो सारी दुनिया में आग लगा सकते हो, ऐसी ताकत तुम्हारे पास में है, वो कौन सी, जो शस्त्र काम नहीं करते वे शब्द काम कर देते हैं। शस्त्र अगर किसी को काट देता है तो उसका खून भी निकल जाता है, जख्म भी हो जाती है, डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा और उसका इलाज हो जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगा, उसका उपचार भी है, जख्म भी हो जाए तो उसके कोई उपाय भी है। लेकिन उस शस्त्र का उपचार है लेकिन आपके शब्द का कोई उपचार नहीं है, ऐसा वह जख्म करने वाला भयंकर ताकत दुनिया के किसी के पास नहीं, वो तो अब तुम्हारे पास है। और एक छोटा सा नेल कटर बेचारा, एक नेल कटर कोई ताकत बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी भी थोड़ी सी भूल हो जाए तो वो भी गड़बड़ी कर देता है, वो भी स्किन को काट देता है, खून निकाल देता है। वो सारे उपद्रव में से तो सब लोग जीते रहते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन शब्द का
ध्यान न रखा तो किस किस को जख्म करते रहोगे, किस किस को छेदते रहोगे। एटम बम जितने भयंकर नहीं है, एटम बम जितने भयंकर नहीं है, दुनिया को आग लगाने वाले एटम बम स्वयं अपने आप में कुछ नहीं करता, आग पे शब्द करता है उसके पीछे, तभी वे सारे दुनिया के शस्त्र काम करते हैं। अगर शब्द है तो शस्त्र काम करते हैं, शब्द नहीं है तो शस्त्र भी बेचारे पड़े रहेंगे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे। पर ये वचन कितना सुंदर, कितना सुंदर कि तुम्हारे शब्द अगर सही है, तुम्हें बोलना अगर सही आता है, तुम्हारे शब्द का अगर बिना बेचारे अगर आदत डाल दो कि मुझे कितना बोलना है, कितने जोर से बोलना है, क्यों बोलना है, ना बोलो तो नहीं चल सकता, अगर नहीं बोलो तो क्या दुष्परिणाम होगा। कल जैसे मैंने कहा था, मुझे वो बात थोड़ी सी अपील कर गई थी कि हम मौन रख करके भी साधना कर लेते हैं। वचन गुप्ति नहीं बोल रहे, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन मौन कर लेते हैं, मौन करके भी साधना हो जाती है। साधक होता है वो, प्रभु का भक्त होता है, उपासक होता है। पर जानते हो कि मौन रख करके दुनिया में आग भी पैदा कर सकते हो। मौन रख करके भी ऐसा मत सोचो कि मन गुप्ति से स्वर्ग ही पैदा होगा, आपके मन गुप्ति से नरक भी पैदा हो सकता है। आप भी उस नरक में जा सकते हैं, दूसरों के लिए भी वह नरक का द्वार खुल सकता है। ऐसा मत सोचो, मत सोचो कि वचन गुप्ति से ही स्वर्ग के दरवाजे ही, वचन गुप्ति जहाँ बोलना आवश्यक है। अगर तुम नहीं बोलोगे, कोई पूछता है, साता है, मुंह में से शब्द ना निकले, ठीक नहीं है, मुंह चढ़ा करके बैठे, बोलते नहीं, खाना खाना है, मुझड़ा के बैठे। साधक भी तो ऐसे मुझड़ा के ही बैठता है, वो हंसता नहीं है। साधक की परिभाषा क्या है, साधक की परिभाषा क्या है, जो हंसे वो साधक नहीं होता। महावीर नहीं कहते, महावीर की कोई प्रतिमा रोती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। किसी भी प्रतिमा को रोती हुई भगवान नहीं। मैं हमारे अपनी साधना की बात करती हूँ कि हमारी साधना में हमने जो जितना अपने शरीर को गला देगा, शब्दों को कमज़ोर कर देगा, आवश्यकताएँ कम कर देगा, कम से कम बोलेगा, कम से कम हंसेगा, जितना खुद को और जो व्यक्ति स्वयं के लिए क्रूर हो सकता है, वह दुनिया के लिए करुणापूर्ण कभी नहीं हो सकता। इसलिए मत सोचो कि वचन गुप्ति, वचन गुप्ति करने से तुम सा क्या कि बस वो एक तुम्हारा भी जो शब्द है मौन रख करके अगर एक मन को शांति मिलती हो, निर्विचार हो जाते हो, खुश हो जाते हो, विकल्प में से मुक्त हो जाते हो, निर्विचार करते कि विकल्प में से मुक्त हो जाते हो, विकल्प विकल्प ये वो ये वो नहीं, एक धारा निश्चित होकर के जिसको चलना आ जाए उसकी वचन गुप्ति है। और जो विचलित होकर के जिंदगी में निर्णय ही नहीं कर पाता,
दृढ़ नहीं कर पाता, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए भगवान महावीर कहते हैं कि स्मरण रखना कि तुम्हारे शब्द संसार को और दुनिया को और अपने आप को, एक तुम्हारे पास में और कोई बड़ा साधन नहीं है, एक शब्द से दुनिया की तुम जानते हो सबसे ज़्यादा गति किसकी है, सबसे ज़्यादा गति किसकी, किसकी गति है ज़्यादा, किसकी गति ज़्यादा है? शुभम जी ठीक कह रहे हैं, किसकी गति ज़्यादा, मतलब आपके पास ऐसी दो शक्तियाँ हैं दुनिया की यात्रा करने के लिए और गति करने के लिए। एक तो वो सूरज दादा बैठा ही है, वो प्रकाश किस गति से घूमता है, किस गति से, किस गति से, और आपका मन, आपका मन किस गति से, नाप नहीं है उसका सूरज की प्रकाश का, क्योंकि आकाश उस अरूपी जी, देखिए उस अरूपी में रूपी पदार्थ है, अरूपी को, और उसने मतलब एक जो द्रव्य का जो एक स्वरूप है उस अरूपी आकाश में प्रकाश क्या है, रूपी है, और ये आत्मा भी क्या है, आत्मा भी अरूपी है, जैसे आकाश अरूपी है ऐसे आत्मा भी अरूपी है, और आकाश में जो प्रकाश है वह प्रकाश कौन सा है, वह रूपी है, वह पुद्गल है, तो उसकी गति, और इसी तरह से मन जो आत्मा जो है वो अरूपी, उसके मन, उसके उसका भीतर का जो मन है वो उसी प्रकार से उसकी गति उसी प्रकार से है, आत्मा नहीं जाता, आकाश जैसे नहीं जाता वैसे आत्मा भी नहीं जाता, कौन जाता है, कौन जाता है। और कहते हैं कि थोड़ा सा द्रव्य की दृष्टि से वो मन जाता नहीं, पर उसको लाता है, लाता भी नहीं, उसका प्रतिबिंब लेता है, कहना बहुत मुश्किल है। किस तरह से आपका मन तो एक है, और वह अगर 10,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया है तो आपका ये जगह क्या हो जानी चाहिए, चला गया आपका मन तो आपकी आत्मा किसे हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए, नहीं? होता है कि नहीं, तो क्या जाता है, जाता क्या, आता क्या है, जो 10,000 किलोमीटर पर आपका मकान या आपके परिवार के लोग, आपका जो भी कुछ है, अगर वह आपके मन पर मन में पहुंच गया है तो वहां वो खाली हुआ है, खाली कुछ नहीं हुआ, फिर मन गया नहीं, गया वो पदार्थ आया नहीं आया, आपने जाना कैसे, ज्ञान पहुंचा, थोड़ा सा इसके लिए केवल ज्ञान की जरूरत है, और जिस समय आपको इस जन्म में तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा दुनिया का अत्यंत रहस्य है कि वह रहस्य, उस रहस्य के लिए जिज्ञासाएँ हैं, लेकिन उस जिज्ञासा को पार पाना, ये जो हमारी सीमाएं हैं वह बहुत सीमित हैं, और सीमित होने के कारण अभी तक हम पदार्थ के उस अनंत रहस्य को हम नहीं पकड़ पाए, वो समझ पाया है वो ज्ञाता, और इसलिए उसने कहा कि तमाम चीज़ों के रहस्य को वो जान सकता है जिसने
अपने मन को, अपने पानी को, अपने शरीर को जो नियंत्रण करना जानता है, जो अपनी इच्छा से चलता है, और आप कहो कि नहीं, अब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अपने जीवन के विषय में ही पूछा है, किसी राज्य पर निग्रह करने से, किसी व्यक्ति पर निग्रह करने से, परिवार में किसी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, या देश और दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने से क्या होगा। उन्होंने किसी से नहीं, किसी के लिए पूछा कि इसको मैं जीत लूँ, इस पर मैं विजय प्राप्त कर लूँ, इस पर मैं शासन कर लूँ, इसको अपने अधिकार में ले लूँ, किसी के लिए पूछा। पूछने वाले ने भी पूछा कि मैं दुनिया पर क्या निग्रह करूँगा, अपने आप में मैं अनियंत्रित हूँ, मैं स्वयं ही इन तमाम अपने जीवन की जो उपकरण है उन्हीं से मैं बंधा हुआ हूँ, उनको अगर मैं, उस पर अगर मैं विजय प्राप्त कर लूँ तो मुझे क्या फायदा होगा। उस बहुत जैसे कोई व्यक्तिगत, कोई पिता कोई पुत्र आपस में बात करते हो, कोई गुरु और शिष्य आपस में बात करते हो, ये दो व्यक्ति हैं, और आजकल के ज़माने में एक तीसरा संबंध और पैदा हो गया है। जानते हो कौन सा संबंध? एक तो पहले गुरु शिष्य का संबंध हुआ करता था, एक पिता पुत्र का संबंध हुआ करता था। जो एक व्यक्ति अपने अंतरंग मन की बात सब कुछ एक दूसरे से कर लेता था, आजकल एक नया संबंध और पैदा हुआ है। जानते हो कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? अरे बोलने में क्यों संकोच करते हो, सब जानते हैं। कौन सा संबंध? और पति पत्नी वाला संबंध तो बिल्कुल वो होता ही नहीं, पता एकदम सड़क पर आ गया है वो पति पत्नी का संबंध। एक जो माँ से जो नहीं कर सकता, जो अपने गुरु से नहीं कर सकता, वो किससे कर देता है? अपने मित्र से कर देता है। आज एक तीसरा संबंध, एक नया संबंध, और उस मित्र संबंध ने क्या कर दिया, और सारे संबंधों को क्या कर दिया, मजबूत की कमजोर क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है कि मजबूत कर दिया है? मित्र मित्र के संबंध ने परिवार के रिश्तों को बहुत वीक कर दिया है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरु शिष्य का संबंध परिवार को मजबूत करता है, पिता पुत्र का संबंध परिवार को मजबूत करता है, और मित्र मित्र का संबंध परिवार को क्षीण करता है, कमजोर करता है। कीप सेफ डिस्टेंस, जो कि जीवन में आपके अंतरंग प्रश्नों का कहीं कोई समाधान हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने गुरु से, अपने प्रभु से अपने प्रश्न पूछा कि भगवान मुझे तो बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत क्रोध आता है, किसको कहोगे जा करके, सड़क पर बैठ करके किसी को कहोगे, कहीं किसी सभा में जा करके कहोगे कि मैं तो बहुत अहंकारी, मैं तो बहुत मायावी हूँ, मैं तो कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मुझे लेने का ही मन होता है, मैं तो बहुत लोभी लालची, और कहीं भी कोई अच्छी चीज़ देखता हूँ तो बस उसको लेने का मन होता है, कोई गंदी चीज़ देखता है तो इतनी नफरत पैदा होती है। किसे जाके कहोगे? जब तक कोई आपका अंतरंग व्यक्ति न हो तब तक अपने अंदर को खोल करके मत रखना, दुनिया तुम पर मजाक करेगी, तुम्हारा मजाक करेगी, इसलिए
स्मरण रखना कि अपने जीवन के अंतरंग रहस्यों को किसी के सामने मत कहो, अगर कह सको तो ऐसी जगह कहो जैसे कोई चीज़ आपने समुद्र में डाल दी तो वापस तुम्हारा आप उसको देख नहीं पाओगे। ऐसा ही वो गुरु होता है और ऐसा ही वो माँ पिता होते हैं कि जो आप पे कोई भी कमज़ोरी होगी उस कमज़ोरी को वो बिना डालते हैं, जो आपकी कमजोरी को जो बिना नहीं जानता वह व्यक्ति आपका लाभ तो उठा सकता है पर आपको कोई फायदा नहीं दे सकता। स्मरण रखना आपको कोई फायदा नहीं दे सकता। तो ऐसे संबंध कि जहाँ हम अपने जीवन की तमाम रहस्यों की बात कर सके और भगवान के सामने बैठ करके कहते हो प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आता है, उस गुस्से को मैं विजय प्राप्त कर लूँ तो मुझे क्या होगा। तो भगवान जिसे छोटे बच्चे को समझाते हैं कि देखो क्रोध करने से क्या होता है, तुम्हें खुशी मिलती है, क्रोध करने से क्या होता है, तुम्हें किया है कभी आपने क्रोध? मुझे तो लगता नहीं कि आपके चेहरे देख करके कि आपने कभी किसी पर क्रोध किया होगा। क्या है क्रोध आप? किया है क्रोध? किया है क्रोध? और उसमें से कितना सुख निकला है उस क्रोध में से? और कभी भी कोई भी चीज सुनना हो, देखना हो, खाना हो, पीना हो, डॉक्टर कहते हैं मत खाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो परिवार के लोगों के सामने नहीं खाएंगे। अभी एक व्यक्ति यहाँ पे आए थे और सब साथ में और उसकी पत्नी भी थी, तो उसको कहा कि देखो मैं ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, यहाँ नहीं खाता। और वही व्यक्ति वहाँ पामापुरी में जा करके, वहाँ पानीपुरी सड़क पर था, वह व्यक्ति वहाँ पर जाकर के दबा पानी पूरी खा करके कोई देखने वाला नहीं, यहाँ तो वो उबली हुई सब्जी खा करके और वहाँ पे गया, बस कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला, कोई देखने वाला हो, कहने वाला हो, ना कहने वाला, पर उसको जो तकलीफ होगी वो क्या होगा? पर और यही कहा कि हमारी इंद्रियां हमें एक तरफ से इतना आकृष्ट कर जाती है कि जब देखो मौका मिलता है हमें अपनी तरफ में खींच करके ले करके जाते, हमारा हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर उसके अनुकूल नहीं होते हुए भी हम इंद्रियों के गुलाम होकर के हम अपनी ही जिंदगी में अनगिनत दुख पैदा कर देते हैं। प्रभु क्या हो, इसका कोई उपाय नहीं। अगर तुम बीमार हो तुम्हें जादू मंत्र तंत्र करते दोना धागा ताबीज करके या मेरे नाम का स्मरण और माला वाला कर लेना तुम्हारा ठीक होगा, ऐसा मैं गुंडा गुरु नहीं है जो तुमको लपेट ले, समेट ले और तुमसे कुछ छीन, जब तक तुम दान दक्षिणा ले लो और तुम खुश हो जाओ, हाँ गुरु जी ने हमारा सब, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। उसने स्पष्ट कहा कि बीमारी तुम्हारी तो उपचार किसको करना पड़ेगा? बीमार तुम हो तो गाय दवा खा करके ठीक हो जाएगा? तुम बीमार हो तो तुम्हें ही साधना करनी पड़ेगी, तुम्हें ही क्रोध पर विजय प्राप्त करना होगा, तुम्हें ही अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना होगा। और क्रोध से देखो या मोहनी कर्म की बात नहीं की, जानते हो शास्त्र की दृष्टि से क्रोध मान माया लोभ किसके भेद है? मोहनी कर्म कर रहे हैं नीचम बेय नीचम बेय नीचम, वहाँ पे कोह विजयनम, तो कोह विजयनम तो कोह विजयनम, मान विजयनम क्या होगा? मान वेय नीचम, मान से जो पीड़ा होती है उसमें से तुम उस दुख से मुक्त हो गए। वहाँ पे उन्होंने महामोहनियम नहीं कहा, मान मोहनियम नहीं कहा, उन्होंने सब जगह भाव वेनियम का मोहनियम नहीं कहा, तो उन्हें मोहनीय का प्रयोग नहीं किया क्योंकि मोह ब्रह्म हो सकता है,
वो बड़ा भ्रामक शब्द है, लेकिन जब तुम्हें कहा कि भुगतने से तुम्हें कष्ट होगा और क्रोध का कष्ट होगा, और तुम जब क्रोध छोड़ दोगे तो तुम्हारे भीतर में जो एक क्षमा आ जाएगी, उसका जो भोग है वो कितना सुंदर होगा। इतना सुंदर स्पष्ट उन शास्त्रों के शब्दों की सीमाओं को पार करके भी उस प्रभु के ये शब्द कि उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हें अगर तुम ये सारी विकृतियाँ छोड़ दो तो इसमें से जो तुम्हें एक आनंद की प्राप्ति होगी, कि मनुष्य में अशांति के कारण कदम कदम पर है, कि उस शांति में भी जो शांत रहना चाहता है उसमें से उसको समाधान भी निकल आते हैं। अगर अशांति में अगर आप अशांत हो जाते हैं, हमारे भीतर में अगर अशांति पैदा होती है तो हम कभी रास्ता खोज नहीं पाते हैं। तो प्रभु ने यही कहा है कि बहुत बार आपके जीवन में कभी अनुकूलताएँ, कभी प्रतिकूलताएँ, कभी विकृतियाँ, और न जाने क्या क्या, किस किस प्रकार से ये सारी विपरीत परिस्थितियों में से जीवन को गुजरना होता है, लेकिन उसमें से भी आप शांति से विचार करके अगर रास्ता निकालना जानते हैं तो बस प्रभु का यही संदेश है कि तुम उन तमाम विकृतियों से अपने आप को बचा सकते हो, उस पीड़ा से अपने आप को बचा सकते हो। आप आए हैं, इस जगह पर आए हैं, इस प्रभु की भूमि में आए हैं, इस प्रभु की ज्ञान भूमि में आए हैं, इस सत्ता भूमि में आए हैं। यहाँ वे लोग जहाँ अनगिनत साधकों ने उस प्रभु के ज्ञान से अपने जीवन को परम ज्योति से, परम प्रकाश से प्रकाशित किया, उस भूमि में आए हैं। शायद हम इसी दृष्टि से आते हैं यहाँ पे कि हमें भी अपने जीवन का वह जो कहीं खोया हुआ वो जो सत्य है, खोई हुई जो हमारी अपनी शांति है, उसको खोजते खोजते कहीं यहाँ पर भी हमारे हाथ लग जाए, हमारी दृष्टि में आ जाए और हमारी जिंदगी को स्पर्श कर जाए। और इसी दृष्टि से हमारे सारे के सारे प्रयत्न हैं, और इन्हीं प्रयत्नों में से जीवन से प्रारंभ से लेकर के जीवन के वर्षों के वर्ष गुजर जाते हैं, इसी तरह से चलते हैं। आइए भाइयों और बहनों, इस प्रभु की भूमि में हम बैठे हैं, बस निश्चित रूप से अपने लिए कोई अच्छा रास्ता हम खोज सकें और उस पर चलते हुए अपने जीवन की परम शांति प्राप्त कर सके, यही इस उत्तराध्याय सूत्र का संदेश है। यही उत्तराध्याय सूत्र का, वे किसी और दुनिया की बात नहीं करते हैं, स्मरण रखना, वे दुनिया की और किसी की चर्चा नहीं करते हैं, वो किसी भी तत्व ज्ञान की बात नहीं करते हैं, वो धरती के ऊपर आसमान की बात या धरती के नीचे पाताल की चर्चा नहीं करते हैं, वो सीधी आपसे और केवल आपसे और आपके प्रश्नों के समाधान के विषय में ये पूरा का पूरा अध्याय है। और इस अध्याय के आधार पर तुम इतनी दूरी तक पहुंच सकते हो कि दुनिया का कोई ताप तुम्हें छू नहीं सकता, दुनिया की कोई ठंडक तुम्हें गला नहीं सकती। इस तरह से एक ऐसा सुंदर जीवन तुम जी सकोगे उस रास्ते से चलते हुए।